पॉलिटिक्स। ओके चलो ठीक है, तो हम क्या क्या करने वाले हैं, आज बहुत कुछ है, लंबी क्लास होने वाली है, तो सीट बेल्ट अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हम ट्रैवल करने वाले हैं 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, राइट, आराम से पढ़ाऊंगा। तो हैश मैप इंट्रो करेंगे सबसे पहले, राइट, फिर ये दो प्रॉब्लम्स, फिर एक हैश सेट करेंगे, फिर दो और प्रॉब्लम्स, और लाइक जिसमें से एक पेयर सम इज इक्वल टू के कर रखा है, कितनों को याद है पेयर सम इक्वल टू के, बताना जरा कैसे करते थे। क्विज नहीं यार, लंबी क्लास रोज होता है, अच्छा ऐसे क्या। टू सम एग्जैक्टली, टू सम चेक करना था, इक्वल टू के एक भी बंदा है या नहीं, दो बंदों का सम इक्वल टू के है या नहीं, बताना जरा हमने कैसे करा था, नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप। अब बताना जरा नेस्टेड लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, जनरली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्लास करा था, तो नेस्टेड लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, एन स्क्वायर एन इनटू एन, राइट, नेस्टेड लूप एन स्क्वायर, डिफरेंट हमने सिनेरियोस देखे भी थे लास्ट क्लास में। आज हम करेंगे उसी चीज को, सेम प्रॉब्लम, सब कुछ सेम बट स्मार्ट तरीके से, गेस करो कितने में करने वाले हैं, ओ ऑफ एन में, एग्जैक्टली। तो आज आपको पता लगेगा कि ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, वैसे तो इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हमने देखा था, प्राइम नंबर को काउंट फैक्टर को ऑप्टिमाइज करा था, याद है, वैसे ही अब पेयर सम को ऑप्टिमाइज कर रहे होंगे आज। ओके तो बिना इंतजार करे चलते हैं इंट्रो में। ओके ठीक है, तो एक वॉलेंटियर चाहिए मुझे, तो मोहित गुप्ता को ले लेता हूँ भाई, मैं तो टूट गया, ऑप्टिमाइज करेंगे तो मोहित ब्रो को लेता हूँ। ओके तो ये मोहित, सो मोहित इज पार्शियली रिच, इनफ पैसे है उसके पास, कैसे मैं कह सकता हूँ इनफ पैसे, भाई के पास एक होटल है, भाई के पास क्या है, होटल है, ओयो की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, नहीं, ओयो नहीं, पर्सनल ब्रांड, पर्सनल ब्रांड। ओके तो ओयो है, छोटे कम फ्लोर्स हैं, तो 10 कमरे ही है उसमें, कितने कमरे मोहित भाई थे होटल में बताइए जरा, कितने रूम्स है, 10 10 10, अभी 10 लेकर चलते हैं, गलत एग्जांपल, तो 10 रूम्स है, राइट, नंबर कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब रूम आइदर ऑक्यूपाइड होगा या फिर नहीं होगा, राइट, आइदर ऑक्यूपाइड होगा या फिर नहीं होगा। अब मोहित भाई ने सेक्रेटरी रख रखी है, रिसेप्शन पे एक बंदी बिठा रखी है, राइट, तो उसे अगर मेंटेन करना है, लेट्स से आप हो रिसेप्शन पे, लेट्स अज्यूम आप हो, तो आपको एक कुछ मेंटेन करना होगा, राइट, जिससे आपको पता चले कि भाई कौन सा रूम ऑक्यूपाइड है और कौन सा खाली है, तभी तो नेक्स्ट कस्टमर को आप अलॉट कर पाओगे। तो कैसे करोगे, मतलब अगर एल्गोरिथमिकली करना होगा तो कैसे करोगे, आप क्या यूज करोगे, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करोगे बेसिकली, रिकॉर्ड 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 लॉक एरे एरे, देखो 10 कमरे हैं तो मे बी आप वेरिएबल यूज कर सकते हो कि 10 कमरे ही तो है, 10 अलग अलग वेरिएबल्स बना लूंगा, पॉसिबली कि भाई 10 वेरिएबल्स बना लो, यार X1 नाम है, और बूलियन रख लो, इंट भी मत रखो, बूलियन रख लो, ट्रू और फॉल्स, ट्रू मतलब ऑक्यूपाइड, फॉल्स मतलब एम्प्टी, फॉल्स मतलब एम्प्टी। अब आपके पास ऐसे ही 10 वेरिएबल्स आ गए, अब क्या करोगे, सिंपल, लेट्स से एक बंदा आया, उसे रूम चाहिए, लेट्स से रूम नंबर 3 चाहिए, तो आप क्या करने वाले हो जल्दी से बता दो, आर्यन ब्रो सबकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, लास्ट क्लास से ही मिल जाएगी, चिंता मत कर, रूम का जुगाड़ करना है, बता दो यार, थर्ड थर्ड रूम, लेट्स से एक बंदा आया, वो उसका वो कह रहा है मुझे रूम नंबर 3 चाहिए, रूम नंबर 3 मेरा फेवरेट है, तो क्या करोगे, सिंपली X3 चेक कर लो, X3 अभी फॉल्स है, अगर फॉल्स है मीनिंग अवेलेबल है, खाली है, तो ट्रू मार्क कर दो और उसे चाबी दे दो, पैसे ले लो, तभी तो मोहित भाई रिच है ना मोहित ब्रो, राइट, एंड सो ऑन, करेक्ट, मेक सेंस, ये बात बिल्कुल ही क्लियर है कि हाँ ये कर सकते हैं, अरे अंदर पैसा, ओके बहुत अच्छे। अच्छा अब थोड़े से रिच बंदे को पिक करते हैं जो मोहित भाई से भी रिच है, कौन है भाई मोहित भाई से रिच, यार बहुत सारे हैं, चल आदर्श ब्रो, तो ये आदर्श है, ये कह रहा है मैं तो भाई रिच हूँ, कैसे पता रिच हूँ भाई, मेरे पास भी एक होटल है, मैं भी होटल बिजनेस में हूँ, बट मेरे होटल में पता है कितने कमरे हैं, 500 कमरे हैं,
मेरे होटल में 500 कमरे हैं। अब बता दो भाई, अगर 500 कमरे हैं और आप फिर से रिसेप्शन पे हो, आप रिसेप्शन पे बैठे हो, तो बताना जरा कैसे रखोगे, रिकॉर्ड कैसे रखोगे बेसिकली। भाई की चांदी चांदी है। अरे अरे, अब 500 वेरिएबल तो नहीं बना सकते हो, राइट? ऑफ कोर्स 500 वेरिएबल नहीं बनाया जा सकता, तो क्या करोगे, एक बूलियन एरे बना लोगे, राइट? कितने साइज का बनाओगे, कितने साइज का बनाओगे बताना जरा। 501, 501 साइज का। क्यों 501 साइज का बनाया भाई? रूम नंबर 1 से 500 तक है, तो अगर 500 रूम नंबर की मैं बात करूंगा तो 500 इंडेक्स पे रखूंगा बेसिकली, एरे ऑफ 500। 500 इंडेक्स का मतलब है 501 साइज, राइट? तो मैं एरे ऑफ 501 पे जाकर ट्रू मार्क कर दूंगा कि ऑक्यूपाइड। अगर किसी को 500 रूम नंबर 500 चाहिए तो फिर से बताओ, जैसे एक बंदा आया उसे रूम नंबर लेट से 350 चाहिए, तो क्या करोगे? जीरो जीरो भी है, जीरो, हाँ ठीक है, वैसे भी कर, 500 से भी चल जाएगा, बट 501 इज इजी। 350 रूम नंबर चाहिए किसी को, तो क्या करोगे? सिंपली एरे ऑफ 350 चेक कर लो, अगर वो फॉल्स है तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो रूम गिवन और मार्क भी कर दो भाई कि और किसी को ना मिल जाए। कितनों को ये बात समझ आ रही है? बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। ओके कूल, तो ये बात भी क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और बंदा है, ये थोड़ा सा क्रेजी है, इसके पास भी एक होटल है, तो गणेशाम रो को लेते हैं। ये थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे है भाई? देखो, कमरे इसके पास 100 है और लेट से कमरे इसके पास 10 है, टोटल कमरे 100 नहीं है, 10 कमरे ही है, और 50 ले लो, चलो 50 कमरे हैं, बट ये जो 50 कमरे हैं उन कमरों का नंबर फिक्स नहीं है, नंबर फिक्स नहीं है वो, एज इन ऐसा नहीं है कि नंबरिंग इसने डायरेक्टली कर रखी है, नहीं, इज लाइक कि थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाते हैं कस्टमर को रूम ढूंढना। रूम कैसे ढूंढेगा, स्ट्रेट दे देंगे तब तो पता लग जाएगा। नंबर्स इसके 1 से 10 की पावर 9 तक कुछ कुछ दे रखे है, मतलब पहले रूम का नंबर इसने 10 की पावर 9 दे रखा है, ओके, दूसरे रूम का मे बी 100, इसका 150, 250, 10 की पावर 8, गॉट इट? रैंडमली नंबर नंबर असाइन है सभी रूम का, कुछ कुछ असाइन है, नंबर दे रखा है, बट इस रेंज में कुछ भी नंबर असाइन है। अब बताओ क्या करोगे? अब बताओ क्या करोगे? अब कैसे ट्रैक रखोगे भाई? उसको नहीं की वैल्यू मैपिंग। देखो यार, एक तरीका तो अभी भी ये है कि भाई बूलियन एरे ही बना लो, बूलियन एरे ही बना लो, उसका साइज 10 की पावर 9 + 1 रख दो। और अब क्योंकि इसमें इतने सारे बॉक्सेस बन गए हैं, जो रूम्स अवेलेबल है उस रूम के इंडेक्सेस को यूज कर लो। नंबर तो 1 से 10 की पावर 9 तक ही है, तो मैंने सारे साइज का बना लिया, अब कोई सा भी नंबर होगा वो इस एरे में पक्के से होगा, राइट? बट इसमें प्रॉब्लम क्या है बताना जरा। When SD try business नहीं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो, 100 रूम्स थे, 100 रूम्स को ट्रैक करने के लिए आपने 10 की पावर 9 + 1 साइज वेस्ट कर दिया, यूज कर लिया, वेस्ट तो नहीं, यूज कर लिया। सिर्फ 100 रूम को ट्रैक करने के लिए 10 की पावर 9 + 1 साइज, बहुत सारा वेस्ट जाएगा, राइट? ऑलमोस्ट सारा ही वेस्ट चला गया, इजंट इट? सारा ही वेस्ट चला गया। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं बताओ,
क्रिएट टू डी आर ए, हाँ दैट इज ऑल्सो वन सोल्यूशन विवेक कुमार, बट कैसे करेगा क्रिएट टू डी आर ए? क्रिएट रो को क्या नाम देगा, उसको क्या नाम देगा? डायनेमिक एरे, अगेन एरे का तो इंडेक्स ही यूज करोगे, और क्या यूज करोगे? इंडेक्स तो रहना ही होगा. 501 ऐश्वर्य, 501 साइज एरे में लास्ट इंडेक्स क्या होगा ये बता. अरे भाई स्टोरी में कौन रिपीट करने को बोलता है भाई, मुझे बताना जरा. अभी तक तो मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं, मैंने स्टोरी पक्के से तुम लोग लेट आए हो क्योंकि मैंने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है, मैं तो स्टोरी सुना रहा हूं उस टाइम से. तीन होटल की स्टोरी सुनाई है मैंने, कुछ पढ़ाया ही नहीं तो मैं रिपीट क्या करूं बताइयो. या एग्जैक्टली ऐश्वर्या, होटल खुला है भाई, कुछ नहीं. तो देखो अगर आपके पास 100 रूम्स हैं और उनके नंबर 1 से 10 की पावर 9 है तो एरे आप बना सकते हो, बट उससे प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व नहीं हो रही क्योंकि बहुत स्पेस वेस्ट हो रहा. 100 रूम के लिए आप 10 की पावर 9 + 1 साइज का बनाओगे, 10 की पावर 9 ले लो, चलो आइडिया, एग्जैक्ट प्रिसाइज मत पढ़ो. तो ऐसी चीजों के लिए हैश मैप सॉल्व्स द इशू, ऐसी चीजों को हैश मैप सॉल्व कर देता है, ऐसी चीजों को हैश मैप सॉल्व कर देता है. कैसी चीजों को? कि भाई आपको सारे इंडेक्सेस नहीं चाहिए, आप 1 से 10 की पावर 9 तक कुछ इंडेक्स चाहिए और कुछ इंडेक्स नहीं चाहिए, जो भी यहां पे कुछ चाहिए कुछ नहीं चाहिए. बेसिकली हैश मैप आपको इंडेक्स बनाने का ऑप्शन दे देता है. फिर से सुनो, एरे में आप साइज देते हो और इंडेक्स फिक्स होता है. बताना जरा, एरे में अगर मैंने 100 साइज एरे बनाया तो इंडेक्स कहां से कहां तक जाएगा? 100 साइज एरे 0 से 99 फिक्स. इसको बदल सकते हो क्या? क्या पॉसिबल है एरे में इसे बदलना कि 100 साइज एरे बनाया और इंडेक्स 101 से स्टार्ट हो रहा है? नहीं, फिक्स होता है, पहले से प्री डिफाइंड है, नहीं कर सकते हो चेंज. हैश मैप इस चीज को सॉल्व कर देता है. हैश मैप में क्या होता है, दो चीजें आपको मिलती है, यहां की और दूसरी तरफ वैल्यू. कि भाई आप की क्या रखना चाहते हो, क्यों? की को ऐसे विजुअलाइज करो कि भाई इंडेक्स जैसा, इंडेक्स आप खुद से लिख रहे हो तो की रख लो, और वैल्यू क्या रखना चाहते हो? जैसे एरे में आप वैल्यू रखते हो राइट, कि भाई थर्ड इंडेक्स पे 20 रख दो, तो इस की के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू रखना चाहते हो? तो जैसे अब रूम नंबर 10 की पावर 9 है तो मैं ऐसा कर सकता हूं, 10 की पावर 9 लिख दिया. अब इस की का टाइप क्या है? जैसे हम एरे में भी टाइप डिफाइन करते हैं, इंटीजर एरे, कैरेक्टर एरे, बताना जरा डिक्शनरी जैसा, यहाँ की का टाइप बताना. यहाँ पे अगर आप रूम्स को स्टोर करना चाहते हो तो की का टाइप बता दो, इंट, आप इंट टाइप में स्टोर करोगे. अच्छा वैल्यू का टाइप बता दो, ऑक्यूपाइड है या नहीं, तो बूलियन, अभी फॉल्स. तो सिंपली लिखते रहो 10 की पावर 9, उसके बाद 150 रूम नंबर है, 150 इज फॉल्स. नेक्स्ट 250 है, 250 इज फॉल्स. नेक्स्ट 100 है, 100 इज फॉल्स. 10 की पावर 8 है, 10 की पावर 8 इज फॉल्स. सो आप दो चीजें स्टोर कर सकते हो उसमें, की एंड वैल्यू. दोनों ही चीजें आप डिफाइन करोगे, आप पुट करोगे, सब कुछ ही नहीं चाहिए ऐसा नंबर. ओके ओके, कूल. ये बात कितनों को समझ आई कि हैश मैप है क्या, आइडिया ऑफ हैश मैप, कि भाई हैश मैप टेबल जैसी चीज है जिसमें आप इंडेक्स भी खुद से डिफाइन करते हो और वैल्यू भी खुद से डिफाइन करते हो. इसे हम इंडेक्स वैल्यू की जगह की एंड वैल्यू कहते हैं. की का भी टाइप आपको बताना होता है, वैल्यू का टाइप भी आपको बताना होता है कि भाई वैल्यू कौन से टाइप का रखना चाहते हो आप. बुलियन, जैसे एरे में वैल्यू किस टाइप का रखना चाहते हो ये बताते हो. एरे में इंडेक्स फिक्स है 0 to 100, 0 to 99, जो भी साइज आपने यूज करा है. यहां पे की वेरिएबल है तो आप बताओगे किस टाइप का की. ओके,
मतलब इंडिविजुअल ने, हाँ एग्जैक्टली, और सभी एक दूसरे से मैप्ड है। आपने 10 की पावर 9 के सामने फॉल्स रख रखा है, फिर 150 के सामने फॉल्स रख रखा है, फिर 250, टेबल जैसा ही है, एक दूसरे के सामने आएगा ये की वैल्यू पेयर, बेसिकली की वैल्यू पेयर। ओके अभी आएगा, अभी अभी तो स्टोरी में ही रिपीट करवा रहे हो यार तुम लोग तो ऐसे कैसे चलेगा। ओके चलो चलो अभी करते हैं करते हैं करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अभी आपको पता लग जाएगा, अभी चमक जाएगा, चिंता मत करो। देखो मैं स्टोर करना चाहता हूं पॉपुलेशन ऑफ एवरी कंट्री, मैं कंट्री की पॉपुलेशन को स्टोर करना चाहता हूं। जल्दी से बता दो, अगर मैं मैप बनाऊंगा, अगर मैं मैप बनाऊंगा तो मैं की में क्या रखूंगा और वैल्यू में क्या रखूंगा? की का बता दो पहले, की का बता दो, स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, एग्जैक्टली। देखो यार की में कंट्री नेम, कंट्री नेम किस टाइप की चीज होती है? स्ट्रिंग। वैल्यू में बता दो जल्दी से क्या रखोगे? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन किस टाइप की चीज होती है? इंटीजर, लॉन्ग, इंटीजर टाइप में, राइट? इंट लिख देता हूं, बाकी इंट लॉन्ग डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इसमें से कुछ यूज करोगे, राइट? तो फिर से ये देखो मैप बनाकर दिखा देता हूं जल्दी से, ये रहा आपका मैप, इसे हैश मैप भी कहते हैं। आप हैशिंग अगर सोच रहे हो तो हैशिंग वो टेक्निक है जिसके थ्रू हैश मैप इंप्लीमेंट होता है, ऐसा कह लो, कुछ कुछ ऐसा सा आइडिया है जो हम करेंगे, चिंता ना करो। ओके तो यहां पे की विच इज स्ट्रिंग, यहां पे पॉपुलेशन और यहां वैल्यू विच इज इंट। ओके कूल, तो बताना जरा स्ट्रिंग में जल्दी से बता दो, लेट्स से इंडिया, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? देखिए जरा जीके आपकी लॉन्ग नहीं आएगी कितनी है? 135 140 बिलियन, मतलब 140 बिलियन, 1.4 बिलियन, 140 मिलियन, राइट? तो अपना देख लो आगे, राइट? एंड सो ऑन, ऐसे आप कर सकते हो। तो स्ट्रिंग में इंडिया और इंट यहाँ पे। ओके कूल कूल कूल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, स्टोर ऑल दी स्कूल्स विथ देयर प्रिंसिपल नेम, तो बता दो जल्दी से बता दो, की क्या बनाओगे और वैल्यू क्या बनाओगे? की क्या बनाओगे और वैल्यू क्या बनाओगे? करेक्ट। अरे अरे बढ़िया बढ़िया, दोनों ही स्ट्रिंग, स्कूल नेम स्ट्रिंग मल्टीपल कैरेक्टर्स, प्रिंसिपल नेम स्ट्रिंग मल्टीपल कैरेक्टर्स, तो स्ट्रिंग वर्सेस स्ट्रिंग आप बनाओगे, राइट? ओके कूल कूल कूल, तो आपको आइडिया लग गया कि भाई दो चीजें होती है, पहले आपको दोनों ही सोचना होगा कि अगर मैप हैश मैप बना रहे हैं तो की किस टाइप का रखें, वैल्यू किस टाइप का रखें। ओके ठीक है, कुछ फैक्ट्स बताता हूं, कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं, इन फैक्ट्स को हमारी एक क्लास होगी हैश मैप कंस्ट्रक्शन, जिसमें हम हैश मैप बनाना सीख रहे होंगे, जिसमें हम हैशिंग वगैरह सब कुछ ही सीखेंगे। ओके उसमें इसका मैं वाई बताऊंगा, जब एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब आपको वाई बताऊंगा, बट ये दोनों फैक्ट्स अभी के लिए आपको याद रखनी है। तो जब सबसे पहला फैक्ट है वो है कीज जितने भी होंगे कैन बी ओनली ऑफ फॉलोइंग डेटा टाइप, कौन कौन से वो डेटा टाइप बताना जरा जल्दी से बता दो, कौन कौन से वो डेटा टाइप से कीज अभी पढ़ेंगे और चिंता मत करो, कौन कौन से डेटा टाइप है? यहां लिखता हूं बूलियन सबसे पहला, बट जब आप बूलियन हैश मैप में लिख रहे होगे तो हम स्मॉल बी वाला बूलियन यूज नहीं करते,
हमें कैपिटल बी वाला बुलियन यूज करना होगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो अगेन थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक है, ऊप्स में आप पढ़ोगे रैपर क्लास जैसी चीज होती है, ऑब्जेक्ट क्लासेस, ऑब्जेक्ट जैसे लिंक्ड लिस्ट की क्लास में पढ़ेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में, अभी दो तीन क्लासेस बाद ही आ जाएगा, उसमें मैं आपको आइडिया दूंगा कि क्लास के अंदर बूलियन को रैप कर दिया जाता है। वर्किंग वाइज दोनों सिमिलर से ही होते हैं, जैसे इसमें आप ट्रू और फॉल्स रखते हो, इसमें भी आप ट्रू और फॉल्स ही रखते हो, इसमें एक तीसरी चीज नल आ जाती है बस। तो बस ऐसा समझ लो कि हैश मैप को यूज करने के लिए, हैश मैप में बुलियन लिखने के लिए आप कैपिटल बी यूज करोगे बस। ओके, ऐसे ही मैं सभी कुछ बता देता हूं। इंट, दूसरा इंट इज अलाउड। इंट के लिए क्या यूज करने वाले हो बताना जरा? इंट इज रिप्रेजेंटेशन, राइट? इंटीजर। जब आप हैश मैप के साथ इंट लिखना चाहते हो तो आप इंट नहीं लिखोगे, आप इंटीजर लिखोगे। लॉन्ग, जल्दी से बता दो हैश मैप के साथ क्या लिखोगे? कैपिटल एल, लॉन्ग। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। कैरेक्टर, कैर, बेसिकली कैर जिसे हम पढ़ते हैं, उसे अगर हैश मैप के साथ लिखना है तो क्या लिखोगे? कैरेक्टर। समझ आ जाएंगी ये चीजें अभी के लिए? दोनों चीजें, दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं है, वो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, दैट्स इट। ओके, डबल, अगर डबल लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे? कैपिटल डी। ओके, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे? स्ट्रिंग लिखोगे, स्ट्रिंग में कुछ भी चेंज नहीं होता। बस आपके जो कीज होंगे वो इनमें से ही किसी डेटा टाइप के होंगे, इसके अलावा बना सकते हो, वो टीडियस प्रोसेस है, हम उसमें नहीं जाते, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। ओके, बाइट शॉर्ट भी आता है, बट बाइट शॉर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बाइट शॉर्ट भी आता है, फ्लोट भी आता है, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो चिंता मत करो, वही बी कैपिटल कर देना बाइट का, शॉर्ट का एस कैपिटल कर देना, फ्लोट का एफ कैपिटल कर देना। ओके, ऑब्जेक्ट के कीज नहीं होते रजत, तो होते हैं, कुछ कुछ चीजें करनी होती है वहां, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें कुछ कुछ ओवरराइड करना होता है। तो फॉर्मेट अभी आएंगे, सिंटैक्स पे आएंगे, फाइव फैसिलिटीज कैपिटल प्रखर, वो ये अलग चीज है थोड़ी सी। ओके, रैपर क्लास इसे कहते हैं, इसके बारे में टाइम के साथ आप पढ़ोगे, ऊप्स क्लास में इसके बारे में डिटेल पढ़ोगे कि रैपर क्लास क्या होता है। ओके, तो अभी के लिए तो फैक्ट ही है, बाकी टॉपिक बता दिया है कि ये रैप कर देते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में, तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हैश मैप में अगर आपको बुलियन यूज करना है तो ये यूज कर लो, अभी के लिए इतना ही है। ओके, ठीक है, कूल। नॉट एप्लीकेबल भी लिख देता हूं भाई, यहां नॉट एप्लीकेबल लिख देता हूं कि आप कीज किस चीज, किन चीजों का नहीं बना सकते हो, एरेज का नहीं बना सकते हो। अगर आप कीज में लेफ्ट हैंड साइड में एरेज रखना चाहते हो, नहीं चलेगा। ऑब्जेक्ट्स का नहीं चलेगा, मेनली ये दोनों, मेनली ये दोनों। ऑब्जेक्ट तो अभी आपको पता भी नहीं है, बट जिनको पता है एरेज एंड ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा। बेसिकली इतने चीजों का कीज बन सकता है बस। ओके, वैल्यूज के बारे में बता दो। वैल्यूज का टाइप क्या हो सकता है? सर ये तो वेरिएबल में स्टोर करना, नहीं, अंकित ब्रो हैश दिखाता हूँ, अभी समझ आ जाएगा डिफरेंस, तो चिंता ना कर, कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। वैल्यूज कैन बी ऑफ एनी टाइप, कुछ भी रख लो वैल्यूज में, वैल्यूज के पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, नन एट ऑल, कोई कोई भी नहीं। ओके, ठीक है, तो ये आपको आइडिया दे दिया मैंने। अब सिंटैक्सेस रूल्स कि भाई अगर आपको उसमें कुछ चीजें जैसे एरे में वैल्यूज डालनी थी तो आप कैसे लिखते हो, एरे स्क्वायर बॉक्स इंडेक्स नंबर इक्वल टू वैल्यू, राइट? वैसे ही हैश मैप में अगर कुछ करना है तो कैसे करोगे, वही कपिल ब्रो वो सब आते हैं, वो सब देखते हैं। नल वैल्यूज इनकी नहीं, नल भी नहीं कर सकते, नल भी यहां लिख देता हूं, नल भी नहीं रख सकते। नल का मतलब एम्प्टी होता है, तो कुछ भी मत ऐड कर, नल भी नॉट एप्लीकेबल में। ओके, एरेज कैन बी इन वैल्यूज, यस अनीश। ओके, चलो चलो चलो, तो अब सिंटैक्सेस देखते हैं यार। सिंटैक्स, सिंटैक्स, वैल्यूज कैन बी नल, यस वैल्यूज कैन बी नल। ओके चलो, तो ये रहा आपका हैश मैप।
सबसे पहले तो आपको हैश मैप इनिशियलाइज करना होगा राइट, कि एम्प्टी हैश मैप बन जाए करेक्ट। तो ऐसे लिखते हैं हैश मैप जिसमें एच और एम कैपिटल होगा, ग्रेटर देन स्मॉलर देन का साइन, उसके बाद की कौन से टाइप का बनाना चाहते हो और वैल्यू कौन से टाइप का बनाना चाहते हो। तो अभी समझने के लिए दोनों ही इंटीजर कर लेते हैं ओके। फिर नाम हैश मैप का, कि भाई नाम क्या देना चाहते हो, इक्वल टू न्यू हैश मैप ओके। तो इसमें मैं एक एक पार्ट आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो जहां भी हैश मैप लिख रखा है वो तो आपको लिखना ही है, न्यू लिख रखा है वो भी आपको लिखना है, हैश मैप में एच और एम कैपिटल है ओके। फिर ये स्मॉलर देन इक्वल टू का साइन और ये पैरेंथेसिस लगाना ही है, सेमी कॉलन लगाओगे ही। जो आप चेंज कर सकते हो वो ये तीन चीजें हैं, जिसमें से ये नाम है भाई आपकी मर्जी, नेम में तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो एरेज वेरिएबल के नेमिंग का जो रेस्ट्रिक्शन था वही रेस्ट्रिक्शन है, नेम है कुछ भी रख लो, राम श्याम सीता कुछ भी रख लो। ये की का टाइप है जो हमने अभी अभी देखा क्या क्या हम रख सकते हैं, और ये वैल्यू का टाइप है जो हमने देखा कि कुछ भी रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। इनपुट नहीं लेना होगा पार्थ प्रो, हैश मैप कभी इनपुट नहीं लेना होगा आपको, हैश मैप की प्रॉब्लम एरेज के थ्रू मिल बनेगी हमेशा ही, एरेज दे रखा होगा उसे सॉल्व करने के लिए हैश मैप की रिक्वायरमेंट होगी, डायरेक्टली हैश मैप कभी भी इनपुट नहीं मिलेगा आपको ओके। तो ये रहा आपका मैप, इसे हैश मैप एचएम लिख देता हूं यार, नाम एचएम लिख देता हूं ताकि हैश मैप का शॉर्ट फॉर्म हो जाए। तो ये रहा आपका एचएम, इसमें आगे आपका इंटीजर एंड आगे आपका इंटीजर, ओके ठीक है। हासीराम हासीरामा सेंजू सेंजू ओके चलो चलो चलो। तो अब इसमें सबसे पहला क्या करने वाले हैं, सबसे पहले कौन से ऑपरेशन सीखने वाले हैं, ये हमने इनिशियलाइज करना सीख लिया कि कैसे एक हैश मैप बनाते हैं, पर ये हैश मैप पूरा का पूरा खाली बनेगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहला है एड, भाई अगर आपको एड करना है कुछ तो कैसे एड करोगे, जल्दी से बता दो कैसे ऐड करते हैं। जल्दी बता दो, पुट 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 एग्जैक्टली, एच एम डॉट पुट यूज करते हैं जनरली तो हमें राइट। तो नेम लिखो डॉट पुट और इसके अंदर अब आपको हमेशा ही दोनों चीजें देनी होगी, कौन सी दोनों चीजें, की as well as value, तो 10 कॉमा लेट से 50, आपको दोनों ही चीजें देनी होगी, ये रूल है भाई, इसको चेंज नहीं कर सकते हो, साइज डिसाइड करने की जरूरत नहीं है भाई, अपने आप हो जाएगा, जितनी मर्जी बंदे ऐड कर लो साइज की जरूरत ही नहीं होती हैश मैप में। एचएम डॉट पुट करा तो 10 कॉमा 50 अगर पुट करा तो क्या होगा, यहां 10 लिख दोगे और यहां लिख दोगे 50, जल्दी बता दो, ये पीक स्मॉल है राइट। 20.60 ऐड करा, जल्दी से बता दो 20 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 60 60 60 ओके ओके। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिलियन डॉलर क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, 30 के कॉरेस्पॉन्डिंग 60 ऐड करा, ऐड होगा या एरर, ऐड होगा या एरर, add 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 30 के corresponding 60 add हो जाएगा ओके। अब पक्के से मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये रहा, अगर मैंने अब करा 20.70, अब बता दो, एरर एरर एरर, रिप्लेस रिप्लेस, ये एरर नहीं देता, ये रिप्लेस कर देता है। देखो यार अगेन इन कीज को ना इंडेक्स की तरह विजुलाइज करो, कीज को इंडेक्स, एरे का जो इंडेक्स होता था वैसे विजुलाइज करो, और इसे एरेस के अंदर जो वैल्यूज डालते थे वैसे विजुलाइज करो। तो अगर आपने एक इंडेक्स बनाया जिसकी वैल्यू 20 है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने 60 रख दिया,
अब उसी इंडेक्स पे आप 70 रखना चाहते हो तो क्या होगा? रिप्लेस। अरे में सोचो, सिक्स्थ इंडेक्स पे आपने 50 रख दिया, अब सिक्स्थ इंडेक्स पे आप 70 रखना चाहते हो तो रिप्लेस हो जाता है। यहां भी वैसा ही होगा, 20 पहले से पड़ा है तो 60 की जगह वो 70 डाल देगा। देखो वैल्यूज में कोई पंगा नहीं है, एरेज में भी ऐसा ही होता था। हमारे पास 3-4 इंडेक्स है, क्या मैं हर जगह 10 रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं भाई, क्यों नहीं रख सकता। वैल्यूज आप बिल्कुल रख लो, दो जगह 60 रखा था कोई दिक्कत नहीं, आप 3-4 जगह रख लो, वैल्यू में तो पंगा ही नहीं है। पंगा किसमें है? इंडेक्स में। तो इंडेक्स यूनिक होनी चाहिए, की यूनिक होनी चाहिए। अगर एक बार 20 आ गया है, दूसरी बार अगर आप 20 पे रख रहे हो तो वैल्यू अपडेट हो जाएगी, 60 की जगह अब 70 आ जाएगा। बात समझ आई? कितनों को ये बात बिल्कुल चमक गई कि हाँ इंडेक्स की तरह इसे देख लूंगा और इसे वैल्यू की तरह देख लूंगा, अपने आप ही रूल याद आ जाएगा। अच्छा अब मुझे ये बता दो, ये ऐड करने के लिए जो हम डॉट पुट यूज कर रहे हैं, आपको क्या लगता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगती है? एक बंदे को ऐड करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? O1 होती है। एक बंदे को हैश मैप में ऐड करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(1) ही होती है। सोच रहे होगे आप कि भैया इसमें तो पहले चेक करेगा कि 20 है या नहीं, फिर 20 का कॉरेस्पॉन्डिंग ऐड करेगा, अगर नहीं हुआ तो सीधा ही ऐड कर देगा। तो अगर ये चेक कर रहा है कि 20 है या नहीं, उसके लिए तो आइटरेट करना पड़ेगा इसमें, ये कैसे पता करेगा 20 है या नहीं? बट O1 में कर देता है, स्मार्ट। बैकग्राउंड में कैसे वर्क करता है? हैश मैप कंस्ट्रक्शन की एक क्लास ही होगी, पूरी की पूरी क्लास हैश मैप कंस्ट्रक्शन देखेंगे, उस समय दिखाऊंगा कि भाई O1 में कैसे ये काम कर देता है, कैसे ये चेक कर पाता है कि भाई 20 है या नहीं, है तो चेंज कर दो, नहीं है तो ऐड कर दो। ओके O(n) लगता है बट होता नहीं, बहुत स्मार्ट तरीके से काम करता है ये। जब बैकग्राउंड में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ मल्टी लेवल लिंक्ड लिस्ट जैसी चीज आ जाती है इसमें, मल्टी लेवल लिंक्ड लिस्ट, क्लोज टू लिंक्ड लिस्ट, राइट? तो उस क्लास में मोर डिटेल में पढ़ेंगे। ओके बट ये याद रखना है आपको कि भाई एक ऐड करने का O(1) टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके चलो बहुत ही अच्छे, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज गेट। गेट एज इन जो बंदे ऐड हो चुके हैं उसे अगर मुझे देखना हुआ तो, जैसे फिफ्थ इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, एरे में आप चेक करते हो राइट, वैसे ही हैश मैप में अगर आप चेक करना चाहते हो तो पुट ऐड एक ही है, हाँ आप रख दो, ऐड भी काम कर जाता है। बता दो जल्दी से, बता दो क्या यूज करते हैं? जैसे अगर मुझे चेक करना हुआ, अगर मुझे 20 गेट करना हुआ कि 20 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू पड़ी है, अरे में तो आपके पास इंडेक्स होता है, यहाँ पे 20 का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू पड़ी है, तो क्या लिखोगे? hm.get, नेम लिख दो डॉट गेट, और अगेन इंडेक्स डालते हो, यहाँ की डालोगे। तो जैसे ही hm.get करोगे आप तो क्या मिल जाएगा? hm.get 20 का आंसर क्या आएगा जल्दी से बता दो? 70, कि भाई उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो। अच्छा ये बताना मुझे, आपको क्या लगता है अगर मैंने लिख दिया hm.get 40, अब क्या होने को है? 00 error यार, जावा में error आ जाता है। अगर आपके पास की नहीं है और आप उसे get कर देते हो तो वो error दे देता है, जो नहीं है उसे आप get नहीं कर सकते हो। ओके हाँ वो अभी करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दो इसकी जल्दी से यार, सभी जल्दी से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दो यार, क्या लगता है आपको एक वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग गेट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? O1 गेट करने की भी O1 होती है यार, अगेन डिटेल कंस्ट्रक्शन देखोगे। अच्छा तो यहां से निकल कर आती है एक और चीज, क्या कि भाई अगर जो बंदा नहीं है वो एरर दे देगा तो हम पता कैसे करेंगे कौन सा बंदा है या नहीं? अगर मुझे गेट करना है तो एरर तो नहीं चाहते हैं हम, ये चाहते हैं कि ये मेक श्योर कर ले कि 40 अवेलेबल है या नहीं, अगर अवेलेबल है तभी उसकी वैल्यू निकालूंगा। वो कैसे करते हैं?
की कैसे गेट करेंगे पार्थ प्रो, वो तुझे डिसाइड करना होगा एरेज के थ्रू, की गेट नहीं कर सकता तू। ओके, की के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ही गेट कर सकता है, कंटेन्स की, कंटेन्स की। यू गाइस अगर आप सोच रहे हो की कैसे गेट करूंगा, एरेज में इंडेक्स कैसे गेट करते थे, आपको पता होता था पहले से कि 0 से 99 इंडेक्स होगा, वैसे ही यहां पे कीज आपको पहले से पता होंगी तभी आप कर सकते हो। कीज नहीं पता है तो एक और तरीका है, वो मैं अभी बताऊंगा इसके बाद, बट जनरली पता होता है एरेज वगैरह के थ्रू। कंटेन्स की, कंटेन्स की पता है क्या होता है, चेक इफ की एग्जिस्ट, चेक करता है कि भाई ये की एग्जिस्ट करता है या नहीं। देखना जरा HM डॉट कंटेन्स की, कंटेन्स में सी स्मॉल होता है और के कैपिटल होता है, कंटेन्स की 20, बताना जरा इसका आंसर क्या आने वाला है। ऊपर वाले हैश मैप के लिए ही दिख नहीं रहा हैश मैप, बट हैश मैप आपको याद होगा तो ट्रू ट्रू ट्रू। 20 प्रेजेंट है क्या, बिल्कुल प्रेजेंट है तो ट्रू। ओके, अब बताना जरा HM डॉट कंटेन्स की 40 एरर, ऐड करते टाइम सिर्फ की प्रोवाइड करने पे एरर। देखो यार इनमें से कोई सा भी सिंटेक्स आप फॉलो नहीं करोगे तो एरर आ जाएगा। ओके, फॉल्स 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 की 40 नहीं है तो ये फॉल्स दे देगा सिंपली, ये ट्रू देगा। ओके कूल कूल, क्या एरर नहीं आ रहा केतन ब्रो, 40 गेट करने पे आ जाएगा, आ जाएगा जावा में आ जाएगा। ओके ओके नेक्स्ट रिमूव, अच्छा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दो यार इसको, इसकी के कैप्स में है। हाँ यार कंटेन्स की में के कैप्स में है यार, सिंटैक्स तो आप एग्जैक्ट गूगल भी कर सकते हो बट के कैप्स में, सी स्मॉल है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी भी ओवन होती है भाई, प्रेजेंट है या नहीं ये चेक करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ओवन है। सोचो 100 बंदे हैं अगर यहाँ पे और एक बंदा प्रेजेंट है या नहीं, ये हम ओवन में चेक कर सकते हैं, लूप लगाने की जरूरत नहीं है, ये हैश मैप का मैजिक है। रिमूव, अगर मैं कुछ रिमूव करना चाहता हूं, जल्दी से बता दो, अगर मैं कुछ रिमूव करना चाहता हूं HM डॉट रिमूव, नेम लिखो डॉट रिमूव, और अगेन की के थ्रू चीजें रिमूव होती है हमेशा, आइडेंटिटी की है, जैसे एरे में इंडेक्स है सिमिलरली हैश मैप में की है। सो HM डॉट रिमूव लेट से 10, तो ये रिमूव कर देगा 10 के साथ वाले बंदे को, इट विल रिमूव पूरा ही 10.50 पूरा ही रिमूव कर देगा, ऑफ कोर्स 10.50 दोनों ही, मतलब ये पूरी चीज ही हट जाएगी, 10 एंड इट्स वैल्यू एग्जैक्टली। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अरे चीते बिल्कुल ही, ओवन 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 ओवन, आगे सभी का ओवन होता है। हाँ एक एक है वो मैं सिखाऊंगा, एरे लिस्ट में सिखाऊंगा, बट अभी डिक्शनरी ही है यार, ये डिक्शनरी है पाइथन में, इसे ही डिक्शनरी कहते हैं। पोटिफ एब्सेंट ऑमनिस ब्रो, वो दो का कॉम्बिनेशन है, कंटेन्स की और पुट का कॉम्बिनेशन है वो, और कुछ नहीं। चेक कर लो, अगर फॉल्स है तभी ऐड करो, कोई नहीं वो सब नहीं करते हैं। वो नली आएगा आउटपुट, अच्छा ट्राई करें क्या एक बार, मे बी, मतलब मैंने बहुत टाइम से नहीं करा है तो अब आने लग गया होगा, बट आई एम श्योर कि नल नहीं आएगा, चलो कर लेते हैं, दिक्कत क्या है, चिल सीन चिल सीन, अभी ट्राई कर लेते हैं, नल आएगा तो नल कर लेंगे यार, बट आना नहीं चाहिए यार नल। चलो ये करा मैंने लीड कोड IDE, लीड कोड IDE, ये करा मैंने जावा जावा जावा, चल भाई आया बता, एग्जैक्टली इसे कर दिया मैंने जूम। मेरे लीड कोड प्रोफाइल में भाई ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है, अरे मैंने
पेपकोडिंग के आईडी से करा था यार सॉल्व। मैंने पेपकोडिंग में टीचिंग करते टाइम जब 1200 पढ़ा रहा था तब सॉल्व करता था, और पेपकोडिंग की आईडी हो गई बंद। तो पर्सनल आईडी में, ये तो किसी, ये भी किसी और का आईडी है, मैं दूसरे की आईडी से करता रहता हूँ। चलो, हैश मैप, इंटीजर वर्सेस इंटीजर, एच एम इज इक्वल टू न्यू हैश मैप, ये हो गया बंद। चलो एच एम में ऐड कर देते हैं, एच एम डॉट पुट ऐड कुछ भी कर लो, 10,70 लेट से। फिर एच एम डॉट पुट 20,80, एच एम डॉट पुट 30,90, तो ये ऐड हो गया। अब प्रिंट करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एच एम डॉट गेट लेट से 20। बता दो जल्दी से क्या आउटपुट आएगा। 500 कीज डिफाइन करनी हो तो नवनीत ब्रो 500 कीज भी तो कहीं से लाएगा, राइट? एरेज में स्टोर होगा मोस्ट लाइकली, लूप लगा कर करेंगे, कहीं पे वो स्टोर होना चाहिए यार। 80 80 80 एग्जैक्टली, देखो तो रन करते हैं, ये आ गया आपका 80। चलो अब कोई कह रहा था कि जो नंबर नहीं है उसके लिए नल आ रहा है, राइट? तो लेट्स से 40, एच एम डॉट गेट 40, क्योंकि 40 तो नहीं है हैश मैप में, ये क्लियर कर देते हैं और रन करके देखते हैं। नल आ रहा है, कूल, तो नल आ रहा है, फिर वहां पे चेंज कर देते हैं यार कि नल आ जाएगा एरर की जगह। नल नल मतलब नथिंग बेसिकली, ओके? तो ये रहा आपका नल, हो गया सॉल्व। ओके, रेफरेंस है एप्लीकेशन वही प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ देखेंगे संजीत, ओके? कूल, और रिमूव वगैरह करके देख लेते हैं यार, रिमूव करके देखते हैं, कंटेंट्स की चेक करते हैं, ओके? तो ये रहा मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एच एम डॉट कंटेंट्स की, कंटेंट्स की, कंटेंट्स की ऑफ लेट्स से 20। बता दो जल्दी से क्या आएगा, इन दोनों का कमेंट कर देता हूं, जल्दी से बता दो क्या आने वाला है। ट्रू 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 ट्रू, ऑफ कोर्स ट्रू। अच्छा इसी को 40 कर देता हूं, अब बता दो। फॉल्स 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 फॉल्स, तो फॉल्स आ जाएगा ऑफ कोर्स। चलो अब एक काम करते हैं, रिमूव करते हैं, एच एम डॉट रिमूव, रिमूव ये शायद शायद से 10, और फिर अब 10 चेक कर लेते हैं। ओप्स 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 ओप्स, ये कर दिया हमने 10 चेक, तो रिमूव करने से पहले 10 चेक कर लेते हैं, उसके बाद 10 चेक कर लेते हैं, ये करा क्लियर और ये करा मैंने रन। तो एक बार ट्रू आ गया, फिर 10 रिमूव कर दिया तो 10,70 रिमूव हो गया, तो अब कंटेंट्स की फॉल्स आ गया, राइट? हैश मैप प्रिंट करना बाद में सीखेंगे रन ब्रो, हैश मैप प्रिंट करने के लिए आपको आनी चाहिए एक एरे लिस्ट। चलो चलो मैं दिखाता हूँ, हैश मैप प्रिंट करना सिखाता हूँ आपको, अभी ही सिखाता हूँ, एरे लिस्ट के बिना ही सिखाता हूँ, ओके? तो हैश मैप अगर आपको प्रिंट करना है तो कैसे करोगे, कीज प्रिंट करना है बेसिकली। हैश मैप प्रिंट करने से क्या मतलब है, कीज या वैल्यू आइटरेट करना है बेसिकली, राइट? ओके, तो ये सीखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ओके? तो देखो यार, एक लूप लिखते हैं पहले, ये लूप, ओके? इस लूप को ध्यान से देखना यार, इस लूप को ध्यान से देखना। लेट से आपके पास एक एन साइज एरे है, आपने इनपुट लिया है और उस एरे को आप प्रिंट करना चाहते हो, एरे प्रिंट करना चाहते हो, ओके? तो आपने लिया एक एन साइज एरे इनपुट, आपने लगाया लूप और आपने प्रिंट कर दिया सभी एलिमेंट को, करेक्ट? ऐसे ही तो करते हो आप। अब मैं आपको एक नया तरीका लिखने का सिखाता हूँ, इसी चीज को लिखने का एक नया तरीका सिखाता हूँ। आपके पास वही एरे है n साइज का, जो आपने इनपुट ले रखा, ऑफ कोर्स सिंटैक्स आपको पता ही है क्या है, आप डायरेक्टली पता है क्या कर सकते हो, int val from array और अब प्रिंट कर दो। देखना ये फॉर लूप लिखने का एक और तरीका है, सब लोग जल्दी से सीख लो इसे। ये क्या होता है, int लिखो क्योंकि आप इंटीजर टाइप का एरे है, और val, और इसमें एरे ऑफ i नहीं आएगा, इसमें val आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है,
एक एक बंदे पे आप ट्रैवल करोगे, एरे के एक एक बंदे पे जाओगे और उसके अंदर जो एलिमेंट है उसे प्रिंट कर दोगे, फिर नेक्स्ट पे जाओगे, अब इंडेक्स और वैल्यू, इंडेक्स पे ट्रैवल करके वैल्यू नहीं निकाल रहे हो आप, डायरेक्टली वैल्यूज इस वैल में आ जाता है। इस तरीके से फॉर लूप लिखोगे तो फॉर ईच लूप कहते हैं एग्जैक्टली, बट इंट वेरिएबल नेम कोलन एरे नेम, अगर आप ऐसा लिखोगे तो एरे से एक एक बंदा, इंडेक्स नहीं बंदा, डायरेक्टली वैल में कॉपी होता जाएगा और इस लूप के अंदर आप उसे यूज करते रहो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम नहीं होगी, सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही है, लिख कर दिखाता हूं, देखो 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 लिख कर देखते एक बार, यहां पे ये देखो, इन सबको हटाओ और ये रहा मेरा एक एरे, लेट्स क्रिएट वन एरे, ए आर आर इज इक्वल टू, लेट्स डायरेक्टली पुट द वैल्यूज, तो 10 कॉमा 20 कॉमा 30 कॉमा 40 कॉमा 50, राइट, लेट्स से ये पांच है, इन एलिमेंट्स को प्रिंट करना है। तो देखना सिंपल सा, फॉर इंट, क्योंकि इंट एरे है, वेरिएबल नेम डायरेक्टली, ये वैल डायरेक्टली एरे के एलिमेंट्स को स्टोर करेगा, कोलन और एरे का नाम, अब इसके अंदर आप प्रिंट कर दो, ये वैल डायरेक्टली एलिमेंट को वो करता है, स्टोर कर लेता है, तरीका है लिखने का भाई, पहले से बना रखा है तो आप इसे यूज कर सकते हो। तो देखो अब रन करूंगा तो सभी एक एक बार प्रिंट हो जाएंगे, जो भी वैल्यूज है 10, 20, 30, 40, 50। इस लूप में इंडेक्स नहीं मिलेगा भाई, जहां इंडेक्स चाहिए होगा वहां पे फिर इंट आई वाला लूप लगाओ, यहां पे इंडेक्स मिलेगा ही नहीं आपको, ओके यहां पे इंडेक्स आप नहीं निकाल सकते हो। इस फॉर लूप को यूज करके आप हैश मैप पे ट्रैवल कर सकते हो, दिखाऊं, देखना एक फॉर इंट, अगेन कीज इंटीजर टाइप ही है, राइट, इंटीजर टाइप है तो आप इंट लिख लो, इंट लिखा, वैल ही नाम दे देते हैं, और यहां पे आपको लिखना होगा, जल्दी से बता दो क्या लिखना होगा, एच एम डॉट की सेट, जैसे ही आप ये लिखोगे तो इस लूप में ये कीज एक एक बार आपके पास आने लग जाएंगे, नहीं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोई कोई इफेक्ट नहीं आता, ये लूप और फॉर इंडेक्स वाला लूप बिल्कुल ही सेम है, बिल्कुल ही सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज है, ओके, बस इस लूप को आप हैश मैप में ट्रैवल करने के लिए यूज कर सकते हो, दैट्स इट, ओके, फिर से करते हैं, चलो देखो 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 ये लूप कितनों को, फिर से एक और बार जल्दी से देख लो, ये लूप कितनों को समझ आती है, ये लिखता हूं तो इसमें ये मत बता बोलना कि ऐसे क्यों लिखा, बस ऐसा लिखा भाई, ये लूप कितनों को समझ आती है कि ये क्या करेगा, मैंने कुछ नहीं करा, एक लूप लगाया, एरे ऑफ आई को वैल में कॉपी करा, मन था मेरा कर दिया और उस वैल को प्रिंट करा, एरे ऑफ आई को डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकता था बट कोई नहीं, मेरा मन था वैल में कॉपी करने का, तो ये प्रिंट कर देगा, राइट, तो ये जो इतना पार्ट है वैल कॉपी करने तक का, इस पार्ट को आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, शॉर्टकट समझ लो और कुछ नहीं, मतलब क्यों जैसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ऐसा कर सकते हैं हम, दे रखा है पावर, इतने को लिखने का डायरेक्टली शॉर्टकट है कि डायरेक्टली वैल में वैल्यूज आ जाएगी, सिंपल ऐसे लिख लो आप फॉर लूप, तरीका है लिखने का। अब अगर आप ये फॉर लूप लिखना सीख जाते हो, अगर ये फॉर लूप लिखना आपको समझ आ गया कि एक एक करके ये बंदों को निकालेगा, तो यही चीज आप हैश मैप पे लगा सकते हो, हैश मैप पे क्या आएगा, एच एम, इसका वे, इसका वो अलग है, राइट हैंड साइड लिखने का तरीका अलग है, एच एम डॉट की सेट, कि भाई कीज पे ट्रैवल करना है मुझे, सिंटैक्स है, लिख लो इसे एच एम डॉट की सेट, इंट वैल एच एम डॉट की सेट से वो आ जाएगा आपका। अब ये वैल, ये कुछ नहीं की है, तो की नाम ही रख लो, ये की आएगा निकल कर, अब की निकल कर आ गया तो आपको की प्रिंट करना है, की प्रिंट कर लो, वैल्यू प्रिंट करना है, वैल्यू प्रिंट कर लो, जैसे मैं आपको की प्रिंट करके दिखा देता हूं,
तो ये रहा 20, 10, 30। नहीं, आयुष ब्रो, इनपुट लेकर ऐड करना होगा। ओके ओके, अब यहां पे एक और चीज देखो यार, जो मैंने ऐड करा वो 10, 20, 30 ऐड करा, जो प्रिंट हुआ वो किस ऑर्डर में प्रिंट हुआ? की एक्सेस कर रहे हैं केतन ब्रो अभी? हर्ष ब्रो शॉर्टकट है यार, कैसे इनडायरेक्टली जाने की जरूरत ही नहीं है। ऑन ऑर्डर, रैंडम ऑर्डर में देगा यार। ये जो मैप डॉट की सेट है ना, ये रैंडम ऑर्डर में वैल्यूज देता है। जिस ऑर्डर में आप ऐड करोगे उसी ऑर्डर में वैल्यूज नहीं आएंगे, हमेशा किसी भी ऑर्डर में आ सकती है। अगेन, कंस्ट्रक्शन में आपको ऑर्डर जज करना सिखाया जाएगा, बट अभी के लिए रैंडम ऑर्डर है। जब तक आप इंटरनल वर्किंग नहीं देखोगे तब तक आप ऑर्डर जज नहीं कर सकते हो। तो यू कैन से रैंडम ऑर्डर, कीज इन रैंडम ऑर्डर। ओके, हैशिंग की वजह से। एग्जैक्टली, जब हैशिंग पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस ऑर्डर में चीजें आती है, बट फॉर नाउ इट्स रैंडम ऑर्डर। तो यहां पे लिखता हूं आइटरेटिंग ऑन कीज। देखो यार, ये सिंटैक्स है। सिंटैक्स का मतलब होता है रूल्स, रूल्स का मतलब होता है ग्रामर। ये ग्रामर जैसा है। इसमें अगर वाइस ढूंढने जाओगे कि वाई फॉर लूप ऐसे ही लिखते हैं, भाई फॉर लूप ऐसे लिखते हैं, जिन्होंने जावा बनाया उन्होंने यही बताया लिखने को। तो आप सिंपली ये कर सकते हो, फॉर इंट की मैप डॉट की सेट, के स्मॉल है, और इसमें एक एक करके कीज आने लग जाएंगे, एक एक करके कीज आएगा और करते रहो। वैल्यू को प्रिंट करना होगा तो मैप डॉट गेट कर ले, प्रिंट एच एम डॉट गेट की पे ट्रैवल कर रहे हो तो वैल्यू तो निकल ही जाएगी। ये कीज है, ये कीज है। अगर आपको वैल्यूज चाहिए तो आप गेट कर लो कीज, तो वैल्यूज निकल कर आ जाएंगे, बट ये जो ट्रैवल कर रहे हो कीज पे ट्रैवल कर रहे हो। ओके, वैल्यूज भी रैंडम आएगी। ऑफकोर्स फाद ब्रो, कीज रैंडम है तो वैल्यूज भी रैंडम ही होगी। ओके, वैल्यू के लिए गेट वैल्यू, एग्जैक्टली की मिल गया। देखो यार, अगेन हैश मैप में कीज ही इंपॉर्टेंट है। द मोमेंट यू गेट की, अगर आपके पास कीज अवेलेबल है तो वैल्यूज का कुछ नहीं करना। डॉट गेट है तो अगर आपको कीज दे दिया तो वैल्यू तो मिल गया ना। ये रहा, डॉट गेट लगा लो। तो हमेशा कीज के बारे में आपको सोचना है, वैल्यूज के बारे में नहीं। वैल्यूज तो आप हमेशा ही निकाल सकते हो। ओके, तो फॉर इंट की मैप डॉट की सेट से आप कीज पे ट्रैवल कर सकते हो। चलो 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 चलो, ओके, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। लॉग तो खुली जाएगा। एग्जैक्टली, बहुत ही अच्छे, कूल। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उसके बाद ही ब्रेक लेंगे। एक प्रॉब्लम के बिना तो ब्रेक नहीं ले रहे हैं। द प्रॉब्लम नेम इज फाइंड फ्रीक्वेंसी। सिंपल, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। मैप डॉट की सेट क्यों लिखा है? एच एम डॉट की सेट ही लिखा होगा यार। अच्छा, एच एम नेम, नेम मैप नहीं भाई, एच एम है यार। नेम लिखना है हर जगह, नेम लिखना है, एच एम डॉट की सेट होगा। फाइंड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से समझना। एक न्यू कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स भी बताऊंगा मैं इसके साथ। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज एन एरे एलिमेंट्स आपको दे रखा है। ओके, उसके साथ क्यू क्वेरीज भी दे रखी है। पहली बार आप देख रहे हो ऐसी चीज, ऐसी चीजें आप बार बार देख रहे होंगे कि एन एरे एलिमेंट्स दे रखा है एंड क्यू क्वेरीज दे रखी है। नाउ फॉर एवरी क्वेरी फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट। ओके, कितनों को ये प्रॉब्लम सिर्फ स्टेटमेंट से ही समझ आ गई? जल्दी से बता दो, सिर्फ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट से प्रॉब्लम समझ आ गई आपको? नॉट मी आई गेस, नो नो नो। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से तो समझ आनी ही है चीजें, तो एग्जाम्पल लेते हैं। तो लेट से आपके पास एक 10 साइज एरे है। एरेज आर 2, 6, 3, 8, 2, 8,
2, 3, 8, 10 and 6, लेट्स से ये एरे है मेरे पास, ओके अब एक आपको एरे दे रखा है, उसके बाद आपको क्वेरीज दे रखी है, बताऊंगा कोड करके दिखाऊंगा, थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर आपको समझ आएगा। तो आपको सबसे पहले एक एरे दे दिया, एरे मिल गया आपको, अब ये क्वेरीज दे रखी है कि भाई चार क्वेरीज मिलेगी। चार क्वेरीज का मतलब क्या है कि आपको अब चार और नंबर मिलेंगे और आपको सभी नंबर की अकरेंसेस बतानी है। तो लेट्स से सबसे पहला नंबर आया आपके पास 2, कि भाई 2 की कितनी फ्रीक्वेंसी है बताना, 2 की कितनी फ्रीक्वेंसी है एरे में, कितनी फ्रीक्वेंसी एज इन कितनी बार अकर कर रहा है भाई, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ अकरेंस। टू की कितनी अकरेंस है काउंट कर लो, 1, 2, 3, तो 3 आंसर आ गया आपका, बहुत ही अच्छे। चलो नेक्स्ट बता दो, लेट्स से 8 की ग्यारह एलिमेंट है क्या, तो 11 कर दो साइज। 8 की कितनी फ्रीक्वेंसी है 3, देखो 1, 2, 3, बहुत ही अच्छे। चलो नेक्स्ट बता दो मुझे जल्दी से, नेक्स्ट मुझे जल्दी से बता दो आप 3 की अकरेंस, बहुत 3 आ गया, 3 की अकरेंस बता दो। आयुष काउंट कर, 3 कितनी बार आ रखा है इस एरे में, 1, 2, 3 दो बार आ रखा है, बहुत ही अच्छे। टोटल 4 ऐसी क्वेरीज है, टोटल 4 नंबर्स के फ्रीक्वेंसी पूछे जाएंगे आपसे, जल्दी से बता दो। नेक्स्ट 5 के कितने अकरेंसेस हैं, 0, 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 1 भी नहीं है। तो अब स्ट्रक्चर समझ आया आपको, स्ट्रक्चर ये है कि आपको एक एरे दे दिया, लेंथ मिलेगा, सारे नंबर्स मिल जाएंगे, उसके बाद आपको एक क्वेरी दी गई कि भाई 4 नंबर में आपसे पूछूंगा, आपको सभी की फ्रीक्वेंसी बतानी है 1 by 1। तो वो 4 नंबर दिए गए कि भाई 2 पहले मिल गया तो 2 की फ्रीक्वेंसी बता दो, 8 की फ्रीक्वेंसी बता दो, 3 की फ्रीक्वेंसी बता दो, 5 की फ्रीक्वेंसी बता दो। 4 इनपुट है, ये 4 नंबर भी इनपुट ही है भाई, ये क्वेरीज भी आपको इनपुट में ही मिल रहा है, ओके। तो बताओ जल्दी कैसे करोगे इसे, वो ऑप्टिमल होगा, नहीं, मुरे बैट बोटिंग में डालिए, प्लस प्लस कर लेंगे। अच्छा, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, ओके मैं और अच्छे से समझाता हूँ, एक डिफरेंट स्ट्रक्चर में समझाता हूँ आपको ना। 2 एरेज दे रखे हैं, एक एरे दे रखा है और एक क्वेरीज एरे दे रखा है जिसकी साइज 4 है, फिर से देखो, ये स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये स्ट्रक्चर बार बार अब आता रहेगा। तो आपके पास अब 2 एरेज है, सबसे पहला नॉर्मल एरे और दूसरा एक क्वेरी एरे है, तो 2 एरे दे रखे हैं तो आपको वैसे ही मिलेगा, पहले एरे का साइज, फिर एरे एलिमेंट्स, फिर एरे का साइज, फिर एरे एलिमेंट्स, राइट। तो अब क्या करना है, इस क्वेरीज एरे में सभी इंडेक्स के लिए, इंडेक्स नंबर 0 पे 2 है, 2 फर्स्ट एरे में कितनी बार आ रखा है उसे प्रिंट कर दो, फिर नेक्स्ट एलिमेंट 8 है क्वेरीज एरे में, 8 फर्स्ट एरे में कितनी बार आ रखा है वो प्रिंट कर दो, 3 फर्स्ट एरे में कितनी बार आ रखा है वो प्रिंट कर दो, 5 फर्स्ट एरे में कितनी बार आ रखा है वो प्रिंट कर दो। अब तो बता दो, अब तो क्लियर हो गया होगा, 2 एरे दिया और ये आपको सॉल्व करना है, पक्के से क्लियर, ओके कूल, ठीक है। तो चलो एक आइडिया मैं दूंगा और दूसरा आइडिया आप मुझे बताओगे। आइडिया नंबर 1, आइटरेट एंड काउंट फॉर एवरी क्वेरी,
जल्दी से चीतो, मेरे चीतो जल्दी से बता दो इससे मैं क्या करना चाहता हूं, इससे मैं क्या कहना चाहता हूं, जल्दी से बता दो। फॉर लूप लगा लो भाई, सिंपल, ज्यादा पंगा क्यों कर रहे हो, फॉर लूप लगा लो, खत्म हो जाएगी बात। देखो कोड लिख कर दिखाता हूं, चिंता बिल्कुल नहीं करनी, चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी। ये देखो सूडो कोड लिख कर दिखाता हूं। तो एक फंक्शन लिखते हैं, वॉइड प्रिंट फ्रीक्वेंसी, ऑफ कोर्स स्यूडो कोड है तो एग्जैक्ट कोड आप लिख सकते हो। इसमें आपको दो एलिमेंट्स दिए गए, एक एरे और एक क्वेरीज, दो एरेज मिले। अब अगेन सिंटैक्स पे मत जाना, सिंटैक्स गलत लिख रहा हूं, ऐसे इनपुट नहीं लेते हैं एरे, एरे का इनपुट दूसरे तरीके से होता है, यहां एन वगैरह नहीं लिखा होता है। आई होप आपको फंक्शन में एरे लेना पता हो, मेन में इनपुट ले लो और उसे फंक्शन में पास कर दो। कितनों को ये पता है जल्दी से बताना कि भाई मेन में इनपुट लूंगा और एक फंक्शन बनाकर उसमें पास कर दूंगा, पता है ना सबको। वॉइड है, कुछ रिटर्न भी नहीं करना, अंदर ही जो प्रिंट करना है कर दूंगा, रिटर्न अपने आप हो जाएगा, राइट। तो अब देखो मुझे सभी क्वेरीज को सॉल्व करनी है, राइट, कि पहला एलिमेंट टू है, टू को काउंट करो एरे में कितनी बार आ रखा है, राइट। तो सभी क्वेरीज काउंट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, सभी क्वेरीज पे लूप लगाऊंगा। पहला लूप कौन से एरे पे लगेगा, क्वेरीज पे या नॉर्मल गिवन एरे पे? पहला लूप क्वेरीज वाले एरे पे लगेगा, क्वेरीज एरे पे, एग्जैक्टली। तो आई स्मॉलर देन एम, एम लिख दे रहा हूं, क्वेरीज डॉट लेंथ है ये, ओके, क्वेरीज डॉट लेंथ लिख लो आप, आई प्लस प्लस। तो ये लूप बेसिकली क्वेरी एरे पे आइटरेट कर रहा है कि पहले ये टू पे जाएगा, फिर एट पे, फिर थ्री पे, फिर फाइव पे, एक एक करके सब पे ही जाएगा। तो एक क्यू निकाल भी लेता हूं यार, कि ये वो नंबर है जिसका काउंट हमें निकालने को बोला गया है, इसे वैल बोल दो। ये वो नंबर है जिसका काउंट हमें निकालने को बोला गया है आईथ क्वेरी के लिए। अब बताना मुझे, अगर मुझे इसका निकालने को बोला गया है गिवन एरे में कि भाई ये कितनी बार आ रखा है, तो कैसे निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, एक और बार फॉर लगाओ, एक और बार फॉर लगाओ, एग्जैक्टली। देखो एक काउंट वेरिएबल बना लो और अब एरे में फिर से ट्रैवल करो, बट अब एक्चुअल एरे में ट्रैवल करो और इस एरे में ट्रैवल करने के बाद क्या करो, सिंपली चेक कि भाई जो ये एरे का एलिमेंट है क्या ये उसके बराबर है जिसकी फ्रीक्वेंसी हम ढूंढ रहे हैं, जिसे हम काउंट करना चाह रहे हैं। अगर बराबर है तो क्या करो, काउंट कर लो इसे। सिंपल, इजी पीजी। अब फॉर लूप से निकलो और जितनी आपने काउंटिंग करी है उसे प्रिंट कर दो। कितनों को ये कोड बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया, कितनों को ये कोड, क्योंकि इसमें कुछ स्मार्टनेस है ही नहीं, इसमें तो जो बोला गया था वही लिख दिया है बस, कि भाई सभी क्वेरीज पे जाओ, एक क्वेरीज निकाला उसकी काउंटिंग करनी है तो काउंट वेरिएबल ले लिया, काउंटिंग किस एरे में करनी है उस एरे में लूप लगा लिया, जैसे ही वो इक्वल होता था काउंट प्लस प्लस, ये लूप खत्म हुआ तो काउंट प्लीज प्रिंट कर दिया। सिंपल, क्वेरीज का लूप, ये वो क्वेरीज है जिसका काउंट निकालना है, काउंट जीरो ले लिया। अब एरे में ट्रैवल करा और जैसे ही वो इस बंदे के बराबर है तो काउंट कर लिया, जितने बंदे काउंट हुए वो प्रिंट कर दिया। अच्छा अगर ये बात समझ आ गई है तो फटाक से मुझे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दो जल्दी से, बिना वो टेबल बनाए बताओ मुझे, m इंटू n, m इंटू n, एग्जैक्टली। देखो यार आप, m क्वेरीज है, सभी क्वेरी के लिए आप कितनी बार ट्रैवल कर रहे हो, n, i की वैल्यू जीरो होगी तो n ट्रैवल करा,
आई की वैल्यू वन होगी, फिर से एन ट्रेवल करा, आई की वैल्यू टू होगी, फिर से एन ट्रेवल करा, थ्री होगी, फिर से एन ट्रेवल करा, इन सभी को ऐड करोगे, कितनी बार एन ट्रेवल करा, एम टाइम्स जितनी क्वेरीज थी, तो एम टाइम्स ट्रेवल करा, तो एम इंटू एम। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो अभी डिस्कस ही नहीं कर रखा है, ठीक है, एम क्रॉस एम। इसमें भाई ब्रूट चंद्रा साई ब्रो ये मत करा यार, ये मत करा, अभी तो हम पहुंचे भी नहीं है, तो सॉल्यूशन ही नहीं है, अभी करेंगे रघुल ब्रो, अभी वही, ये तो सॉल्यूशन ही नहीं है, ये तो मैंने बस ऐसे मजे मजे में लिख दिया, ये तो मुझे लिखना भी नहीं चाहिए। सिंपल लूप है यार, फॉर लूप, दो फॉर लूप है और कुछ भी नहीं है। पहला फॉर लूप क्वेरीज, चलो एक एक जल्दी से ड्राई रन कर लेते हैं, जल्दी से यार, ब्रूट फोर्स में ड्राई रन तो बहुत बुरा है, फिर तो यू गाइज नीड टू प्रैक्टिस एट होम। अगर दो फॉर लूप में ड्राई रन करने को बोल रहे हो तो नॉट अ गुड साइन। क्योंकि अभी तो इसे ऑप्टिमाइज करके बेटर सॉल्यूशन लिखता, उसका ड्राई रन करता। कोई नहीं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी फटाक से। तो क्वेरीज वाले एरे पे आई लगाया, आई क्वेरीज वाले एरे पे, सबसे पहले वैल की, वैल किसके इक्वल आएगा जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, वैल किसके बराबर आ जाएगा? टू टू टू, ऑफ कोर्स क्वेरीज ऑफ आई टू के बराबर आ जाएगा। ओके, उसके बाद काउंट बनाया, काउंट जीरो हो गया, बहुत ही अच्छे। अब ये जे लूप लगाया हमने, जे लूप कहां से कहां तक गया? साई ब्रो, चंद्रा साई ब्रो कहां गया जल्दी से बता दे, जे कहां से कहां तक रन कर रहा हूं? जीरो से लास्ट इंडेक्स तक, राइट? तो जे जीरो पे गया, क्या चेक कर रहा हूं? एरे ऑफ जे, क्या वो क्वेरी के बराबर है जिसकी काउंटिंग करनी है उसके बराबर है? मैंने कहा हाँ, टू और टू बराबर है, तो मैंने काउंट कर लिया कि भाई एक अकरेंस है टू की। जे वन पे गया, जल्दी से बता दो, सिक्स, अगेन एरे ऑफ जे इज सिक्स नाउ, क्या वो वैल्यू टू के बराबर है? नहीं, तो काउंट नहीं बनाऊंगा। सिमिलरली जे टू पे, थ्री एंड टू क्या बराबर है? नहीं। एट टू बराबर? नहीं। टू एंड टू बराबर है क्या? हाँ, तो काउंट बढ़ा दूंगा कि एक और टू मिल गया भाई। फिर फाइव, एट और टू? नहीं। टू और टू? हाँ, टू और टू तो बराबर है, काउंट थ्री हो गया। थ्री टू बराबर नहीं है, एट टू बराबर नहीं है, टेन टू बराबर नहीं है, सिक्स टू बराबर नहीं है, खत्म। तो अंदर वाला लूप हो गया खत्म। काउंट में क्या स्टोर हो गया आपके पास? टू की अकरेंस कितनी है, तो इस थ्री को प्रिंट कर दो कि भाई टू की अकरेंस थ्री थी। अब फिर से आई चेंज हो जाएगा, अब आई जैसे ही चेंज हुआ तो अब बता दो वैल किसके बराबर आ गया? वैल किसके बराबर आ गया? एट, एड ए क्वेरी ऑफ आई, एट के बराबर, एट की काउंटिंग करनी है बेसिकली, काउंट को वापिस से जीरो कर दिया कि भाई अब एट की काउंटिंग करनी है, फिर से एरे पे ट्रेवल करूंगा और काउंट कर लूंगा, राइट? तो ऑफ कोर्स ये m इंटू n है, m इंटू n मजेदार नहीं है यार, m इंटू n मजेदार नहीं है, इसको हम बेटर कैसे कर सकते हैं? अब आइडिया नंबर टू बताओ मुझे जल्दी से, इसे हम बेटर कैसे कर सकते हैं? एक्चुअल इंटरव्यू में आपको ऐसे ही स्टार्ट करना होगा, ब्रूट फोर्स सबसे बेसिक सॉल्यूशन से, तब आगे की तरफ जाना होगा। हैश मैप, एग्जैक्टली। आइडिया नंबर टू में आपको दिखाता हूं क्या होगा। आइडिया नंबर टू इज सिंपली हैश मैप में स्टोर कर लो। देखो देखो देखो, मैं क्या करने वाला हूं, एक बनाऊंगा हैश मैप, ये बना मेरा हैश मैप, ओके? अब इस हैश मैप में इंटीजर वर्सेस इंटीजर रखूंगा, दोनों ही चीजें इंटीजर होंगी। अब बता दो मुझे, काउंटिंग करनी है तो सबसे पहले टू, टू की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वन, टू के कॉरेस्पॉन्डिंग वन रख दूंगा। नेक्स्ट बंदा सिक्स, सिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग वन रख दूंगा। नेक्स्ट बंदा थ्री, थ्री के कॉरेस्पॉन्डिंग वन रख दूंगा। एट, एट के कॉरेस्पॉन्डिंग वन रख दूंगा। अच्छा ये टू, अब बताना जरा टू आया, क्या करूंगा इस टू के लिए? अपडेट, अपडेट टू, क्योंकि ये दूसरी अकरेंस है, ये जो इंटीजर है ये फ्रीक्वेंसी स्टोर करता है, जो वैल है वो फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहा है, तो
टू की अकरेंस अब टू हो जाएगी। एट बता दो, एट आया वापिस से, क्या करूं? एट को वापिस से टू कर दो, फिर से टू आया, इसे थ्री कर दो, थ्री थ्री के लिए टू कर दो, फिर से एट मिला, एट को बढ़ा दो, टेन मिला, ये टेन की पहली अकरेंस है तो रख दो, फिर सिक्स मिला तो सिक्स का बढ़ा दो, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, जो नहीं प्रेजेंट उसे ऐड कर दो, सिंपल सा। अच्छा बताओ जरा, ये करने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी ये हैश मैप बनाने के लिए, ये जो मैंने HM बनाया इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसको बनाने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O of N हो जाएगी। एरे में ट्रैवल करते रहेंगे और ऐड करते रहेंगे, ऐड करना O1 होता है हैश मैप में, राइट, तो O of N हो जाएगी, N बंदे ऐड हो गए तो O of N हो गई टोटल, राइट। अच्छा अब बताओ, अब मैं क्वेरीज सॉल्व करूंगा, क्वेरीज में मिला मुझे टू, मुझे चाहिए टू कितनी बार अकर हो रखा है, तो बताओ जरा जल्दी से, सिंपली गेट कर लो टू को कि भाई चेक करो टू प्रेजेंट है क्या, मैंने कहा हाँ टू प्रेजेंट तो है, प्रेजेंट है तो कितनी बार प्रेजेंट है, तीन बार, तो तीन प्रिंट कर दो। नेक्स्ट एट, एट प्रेजेंट है क्या हैश मैप में, ऑफ कोर्स अगर प्रेजेंट है गेट कर लो, बताना जरा थ्री के साथ थ्री प्रेजेंट है क्या हैश मैप में, यस, थ्री अगर प्रेजेंट है हैश मैप में तो कितनी बार है, वैल्यू देख लो, वैल्यू ही तो फ्रीक्वेंसी है इस केस में, वही तो काउंटिंग कर रखी है हमने। फाइव का बताओ, फाइव प्रेजेंट है क्या, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, अगर प्रेजेंट नहीं है तो क्या प्रिंट करूं, जीरो 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 जीरो, अगर प्रेजेंट ही नहीं है तो फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई, जीरो प्रिंट करो, नल नहीं प्रिंट करना भाई, जीरो प्रिंट करना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट भूल गए क्या, अभी तो कराया था थ्री के लिए जीरो प्रिंट करा था आपने फाइव के लिए, तो जीरो प्रिंट करोगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता हूं, हाँ अभी कोड लिखेंगे तो फिर से करेंगे, ओके, तो ये बनाने के लिए O of M, फिर M क्वेरीज है, ये अगर M क्वेरीज है तो एक क्वेरी को हमने कितने में सॉल्व करा बताना जरा, O1 में, टोटल M क्वेरीज है तो O of M आ जाएगा, चिंता मत करो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ जाओगे आप, वापिस से समझ जाओगे, अभी बनाऊंगा, अभी लिखूंगा कोड तो समझ जाओगे, ओके, सुडो कोड, ओके, कूल कूल कूल, तो चलो ये लिखते हैं हम सुडो कोड, तो ये मैं कर लेता हूं कॉपी, कौन सा फंक्शन कॉपी कर लेते हैं, फंक्शन तो वही है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो वही है, ओके ऑसम, तो अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट वही है तो अब मुझे बताओ हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हैश मैप बनाने वाले हैं, ऑफ कोर्स, हैश मैप की टाइप क्या होने वाली है इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, जल्दी जल्दी, दोनों ही की और वैल्यू इंटीजर इंटीजर, एग्जैक्टली इंटीजर एंड इंटीजर, थॉट प्रोसेस वाइज, लेफ्ट हैंड साइड में एरे एलिमेंट, राइट हैंड साइड में उसकी फ्रीक्वेंसी, हैश मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप, ये कर लिया आपने जनरेट, बहुत ही अच्छे चीते, चलो अब नेक्स्ट स्टेप बता दो, हैश मैप जनरेट हो गया तो हम क्या करने वाले, सिंपली काउंट, एक एक एलिमेंट पे जाएंगे और काउंट करेंगे, तो एरे पे लूप लगा दूं, ये लगाया मैंने लूप एरे पे, एरे में लूप लगाने के बाद अब याद करो हम कैसे करते थे कि भाई ये पहली बार ये अकर हो रखा है तो आपको वो ऐड करना है, दूसरी बार अकर हो रखा है तो उसकी वैल्यू बढ़ानी है, राइट, तो देखो कैसे लिखूंगा, ये लिखना सीखो, ये बार बार लिखना होगा, मैं पहले चेक करूंगा कि भाई हैश मैप में ये आईएथ बंदा है क्या, ये एरे का जो बंदा है
ये हैश मैप में प्रेजेंट है या नहीं, ट्रू है या फॉल्स है। तो पहले फॉल्स का देखते हैं, पहले एल्स देखते हैं कि भाई अगर ये हैश मैप में है ही नहीं, ये बंदा पहली बार आया है तो क्या करेंगे, सिंपली हैश मैप में पुट कर दो इस बंदे के कॉरेस्पॉन्डिंग वन। ये पहली अकरेंस है उसकी भाई, अगर पहली अकरेंस है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वन रखना है, हैश मैप डॉट पुट एरे ऑफ आई कॉमा वन। अच्छा ये तो था अगर वो पहली अकरेंस है, अगर उसकी पहली अकरेंस नहीं है तो पहले से ही अकर हो रखा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, जो भी पहले है, पहले अगर टू है तो उसे थ्री कर दो, पहले अगर थ्री है तो उसे फोर कर दो, पहले अगर फोर है तो फाइव कर दो, राइट। वन क्यों पहली अकरेंस है फहद ब्रो, तो पहली अकरेंस में वन ही काउंट करेगा ना। अगे तो अगर पुरानी वैल्यू इंक्रीज करनी है तो पहले पुरानी वैल्यू पता तो करो, डायरेक्टली इंक्रीज नहीं कर पाओगे भाई, पहले पता करो पुरानी वैल्यू कितनी है। तो पहले मैं इस बंदे को गेट करूंगा कि भाई एक और बार इसकी फ्रीक्वेंसी आई है, बट क्योंकि ये पहले से प्रेजेंट है तो अभी कितने बार, ये टेम्प में आ जाएगा कि अभी वैल्यू क्या है इसकी। अब जो भी वैल्यू है उसका प्लस वन करना है, तो ये देखना अब मैं सिंपली पुट कर दूंगा हैश मैप में इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है उसका प्लस वन। कितनों की बैंड बज गई है कोड देखकर। ओ भाई ये क्या लिख दिया, डायरेक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं, स्टेप्स में नहीं समझ आ रहा, डायरेक्टली में तो बैंड ही बज जाएगी सबकी, बट ठीक है ऐसे ही करेंगे। ओके चलो चमत्कार हो गया, तो चलो अब मैं आपको कोड के साथ काउंटिंग करिए भाई, और कुछ नहीं करी, काउंटिंग करिए सिंपली। ओके काउंटिंग करिए, बस उतना ही करा है और कुछ भी नहीं करा अब तक। तो ये रहा ये, और ये करता हूं मैं कॉपी और देखते हैं। चिंता क्यों करते हो, चिंता क्यों करते हो, एक बार की बात है, पहली बार पेनफुल लगता है, उसके बाद तो मजा ही आता है सिर्फ, तो उसके बाद तो हर बार आप यही लिखोगे। ब्रेक ब्रेक भूल गया इस सवाल के बाद ही, ब्रेक सीख लो भाई, काउंटिंग हैश मैप के ऑलमोस्ट सभी सवाल में आपको करना होगा। ओके भाई आया बता कर जाएगा एग्जैक्टली। देखो 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 ये बनाया मैंने हैश मैप, हैश मैप बनाने तक तो सबको क्लियर होगा राइट, ये इसमें तो नहीं जाते हैं, सिर्फ लिखा है और खाली हैश मैप बन गया। अब एरे पे कर रहा हूं ट्रैवल, देखना जरा अभी कोड मत देखो, कोड को कैसे छुपाऊं, हाथ से छुपा रहा था मैं, कोड मत देखो, ये बताओ अभी इस टू को हैश मैप में आप क्या करना चाहते हो, जल्दी से बता दो इस टू को हैश मैप में क्या करना चाहते हो। वन, ये पहली अकरेंस है टू की, तो टू के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना रखना चाहोगे बता दो, पहली अकरेंस है तो वन रखना चाहते हो। तो ये देखना जरा एच एम डॉट कंटेन्स की एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई इज टू, ट्रू और फॉल्स, एच एम डॉट कंटेन्स की ट्रू और फॉल्स जल्दी से बता दो। तो ये रहा आई, आई इज इक्वल टू जीरो, एच एम डॉट कंटेन्स की फॉल्स हैश मैप में है ही नहीं भाई, ट्रू कैसे आ गया बताना जरा, एच एम डॉट कंटेन्स की हैश मैप में आपको टू दिख रहा है क्या, ऑफकोर्स फॉल्स आएगा, एच एम डॉट कंटेन्स की में आपको साफ साफ सीधा सीधा फॉल्स दिख जाएगा कि भाई ये तो फॉल्स है। तो अगर फॉल्स है तो आप एल्स में चले जाओगे, एल्स में क्या करोगे बताना जरा, हैश मैप डॉट पुट वन कि भाई एरे ऑफ आई टू के कॉरेस्पॉन्डिंग वन पुट कर दो, बस लूप खत्म, नेक्स्ट पे चले गए। बहुत ही अच्छे, जल्दी जल्दी फिर से सेम, अब सिक्स है, एरे ऑफ आई इज सिक्स, जल्दी से बता दो एच एम डॉट कंटेन्स की ट्रू या फॉल्स, हैश मैप में क्या सिक्स पहले से प्रेजेंट है की में, फॉल्स फॉल्स ऑफ कोर्स हैश मैप में प्रेजेंट नहीं है, तो एल्स में चले जाए, एल्स में जाकर सिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या रख दें, वन 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 ऑफ कोर्स पहली अकरेंस है, पहली अकरेंस है तो वन होना भी चाहिए, काउंट ही तो कर रहे हैं।
नेक्स्ट एलिमेंट थ्री बता दो जल्दी से, एच एम डॉट कंटेन्स की ट्रू या फॉल्स, एच एम डॉट कंटेन्स की ट्रू या फॉल्स, फॉल्स 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 फॉल्स, ऑसम ऑसम ऑसम। तो क्या करूं मैं, थ्री के सामने क्या रख दूं? तो ये एल्स चमक चमक गया सबको कि भाई अगर पहली बार अकर हो रहा है तो हैश मैप पे नहीं होगा, अगर नहीं है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वन रख दूंगा। एल्स चमक चमक गया, चलो बहुत ही अच्छे। एक और एल्स ही है वैसे, एट, नेक्स्ट एलिमेंट इज एट, जल्दी से बता दो ट्रू या फॉल्स। फॉल्स 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 में सिंपल है भाई, एट के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग वन डाल दो, पहली अकरेंस है, बहुत ही अच्छे। अब ध्यान देना इफ में जाओगे, फोर्थ इंडेक्स एलिमेंट इज टू, जल्दी से बता दो ट्रू या फॉल्स। हैश मैप डॉट कंटेंस की टू देखोगे आप, बोलोगे यार टू तो पहले से प्रेजेंट है, मीनिंग ये पहली अकरेंस नहीं है टू की। तो अब इफ को ध्यान देना, इफ में क्या लिख रखा है, मैंने पहले निकाला कि मुझे नहीं पता ये कौन सी अकरेंस है, बस ये पता है कि पहली अकरेंस नहीं है क्योंकि टू ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो मैंने पहले निकाला कि भाई अभी क्या प्रेजेंट है, अभी टू के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, टेम्प की वैल्यू बताना जरा यहां पे क्या होगी। अभी अगर मैं एच एम डॉट गेट टू करूंगा तो अभी क्या निकल कर आएगा, वन, कि भाई एक बंदा ऑलरेडी प्रेजेंट है, फ्रीक्वेंसी वन है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करा, मैंने करा अगर मुझे पता लग गया एक बंदा है तो इसी टू के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी टेम्प की वैल्यू है उसमें प्लस वन करो और डाल दो। पुट करने पे अगर वैल्यू पहले से होती है तो क्या आपको याद है कि रिप्लेस करते हो आप, वाई कैन नॉट रघुल ब्रो, क्योंकि वो सिंटैक्स नहीं है, सिंटैक्स ये है, तो इसे आप टू डाल दोगे। रूल, अब यू विल से कि यू के साथ इज क्यों नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकते भाई, यही तो बेसिक रूल्स है। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट, अगेन फिर से देखो, एलिमेंट एरे ऑफ आई इज एट, ट्रू या फॉल्स, कंटेंस की ट्रू या फॉल्स। कंटेंस की ट्रू या फॉल्स, ट्रू, कि भाई बंदा तो पहले से प्रेजेंट है। अगर बंदा पहले से प्रेजेंट है तो आप इफ में जाओगे, इफ में जाकर ऐसे ही नहीं, पहले ये बताओ कि कितनी बार ऑलरेडी आ रखा है टेम्प में। आप गेट करोगे एट को, एक बार ही आ रखा है, अगर एक ही बार आ रखा है तो अब वापिस से एट के कॉरस्पॉन्डिंग डाल दो, क्या जो भी आपने गेट करा है उसका प्लस वन, टू, बहुत ही अच्छे। फिर से आई की वैल्यू जल्दी से बता दो, टू है, एरिया ऑफ आई इज टू, ट्रू या फॉल्स। ट्रू 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 ट्रू, भाई पहले से आ रखा है, पहले से प्रेजेंट है, पहले से प्रेजेंट है तो पहले पता करो कितनी बार प्रेजेंट है। तो हैश मैप डॉट गेट टू, टू की अकरेंस कितनी बार ऑलरेडी है, दो 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 दो, तो टेम्प में टू कर लिया हमने। अब टू कर लिया, अब हैश मैप में वापिस से क्या पुट करूंगा, एग्जैक्टली टू के कॉरस्पॉन्डिंग ही टेम्प प्लस वन, तो ये रिप्लेस करके थ्री कर देगा, राइट। तो ये बात समझ आई क्या, ये सबको बात समझ आ गई, इफ एल्स दोनों ही क्लियर है, तो ये मैंने कर दिया सभी काउंट। यस यस यस, क्लासिक क्लासिक, कूल कूल, मजेदार मजेदार। तो अभी तो काउंटिंग करिए, सिर्फ क्वेरीज सॉल्व करना तो बाकी है, तो अब मैं करूंगा क्वेरीज सॉल्व, तो लगा देते हैं लूप क्वेरीज पे, एम एम क्वेरीज है तो लगा देते हैं। यहां पे लिखते हैं वैल क्वेरीज ऑफ आई, बेसिकली इसकी काउंटिंग करनी है, इस वैल की काउंटिंग करनी है कि ये कितनी बार आ रखा है। तो अब बता दो, अब बता दो कैसे चेक करेंगे कि ये कितनी बार आ रखा है। सबसे पहले कंटेंस की, कि अगर प्रेजेंट नहीं हुआ तो नल नहीं प्रिंट करना, जीरो प्रिंट करना है। तो पहले इसकी कंटेंस की देख लो भाई, हमेशा कंटेंस की देखना होता है यार, हमेशा कंटेंस की देखना होता है, अदरवाइज आपको पता कैसे लगेगा कि गेट करूं या ना करूं, है या नहीं बंदा। तो कंटेंस की चेक कर लो है या नहीं। चलो अब बता दो, अगर कंटेंस की है ट्रू है, पहले फॉल्स की बात करते हैं, कि अगर कंटेंस की नहीं है, एल्स में गए
तो क्या प्रिंट कर दूं, आंसर क्या है इसकी, इसकी कितनी अकरेंस है, प्रिंट क्या करना, ये जो बंदा है ये कितनी बार आ रखा है, तो 0 0 एग्जैक्टली, तो यहां प्रिंट कर दो 0। ऑफ कोर्स आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखोगे, बट आप समझ गए राइट। ओके अब अगर प्रेजेंट है फिर क्या प्रिंट करूं, अगर ये वैल प्रेजेंट है कि भाई हैश मैप में है तो क्या प्रिंट करूं भाई प्लस जावा डॉट गेट, एग्जैक्टली एचएम डॉट गेट वैल, कि भाई गेट कर लो ये जो क्वेरी वाला बंदा था उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है। तो अगर क्वेरीज ऑफ आई में 2 है तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग गेट कर लो, क्वेरीज ऑफ आई 8 है तो 8 के कॉरस्पॉन्डिंग गेट कर लो, बस ये पहले वाला इजी से राइट। हाँ काउंट करना ही मेजर पार्ट है, ये तो कुछ भी नहीं है। ओके बहुत ही अच्छे, तो ये बात कितनों को क्लियर है, ये कोड कितनों को चमक गया बिल्कुल ही, कितने कह रहे कि भैया क्या यार इजी सवाल यार, क्या आप भी ऐसे ही मजे लेते रहते, चमक गया बिल्कुल बिल्कुल, अगर चमक गया है तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन भाई। अब मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दो इसकी, ये रहा कोड, अब तो कोड लिख रखा है, कोड देखो और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दो मुझे जल्दी से। नेस्टेड लूप नहीं है पहली बात, तो हमने ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्लास में करा था ऐसा, एक अलग लूप और एक अलग लूप, नेस्टेड जैसा कुछ नहीं है भाई। तो ये देखो O ऑफ n यहां पे एंड नीचे पे m, तो n प्लस m, फिर याद है फिर हमने ये भी करा था कि जो ग्रेटर होगा वो डोमिनेटिंग होगा, बट जब नहीं डिफाइन कर सकते हो कौन सा ग्रेटर है तो दोनों को रहने दो, तो n प्लस m ही रहने दो क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा ज्यादा बंदा बड़ा होगा, तो n प्लस m रहने दो राइट। ओके एक लास्ट चीज, एक लास्ट चीज, अब मैं जल्दी से आपको कंपेयर करके दिखा देता हूं, क्या कंपेयर करके दिखा देता हूं, जो हमने पहला सॉल्यूशन करा था और जो दूसरा सॉल्यूशन करा है, उन दोनों को ऐसी मजे के लिए, ओके मजे के लिए दिखा देता हूं। तो पहला सॉल्यूशन जो हमने करा था ब्रूट फोर्स, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी, जो आइडिया वन था उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी, उसकी थी n इंटू m, और आइडिया टू की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, n प्लस m राइट। तो ऐसे जस्ट फॉर अ मोमेंट, जस्ट समझने के लिए, हाउ अबाउट हम n और m को इक्वल कंसीडर कर लिए, समझने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होगा बट विजुअलाइज करने के लिए n और m को बराबर मान लेते हैं। तो n और m को अगर मैं बराबर मानूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, आइडिया वन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, एन स्क्वायर, आइडिया टू की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, ट्वाइस ऑफ एन, और ट्वाइस ऑफ एन को हम कितना लिख सकते हैं बिगो नोटेशन में बताना जरा, याद है कॉन्स्टेंट्स हट जाते हैं ओ ऑफ एन, तो आपने बेसिकली अभी अभी एन स्क्वायर से एन में कोड को कन्वर्ट करा है, और इतना ही करना होता है कंपनीज क्रैक करने के लिए, कि जो आप कोड एन स्क्वायर में सॉल्व कर रहे हो, ब्रूट फोर्स स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन, अगर एन स्क्वायर है तो आपको उसे ओ ऑफ एन में लिखना होता है मोस्टली मोस्टली। कितनों को बात आ गई समझ, कितने चीटे बन चुके हैं, पहले ब्रूट फोर्स बताना है भाई, ये बात सुन लो सभी ध्यान से, इंटरव्यू में आपको कितना भी देखा हुआ सवाल आ गया, कितना भी ए प्लस बी भी उन्होंने पूछ लिया तो पहले ब्रूट फोर्स बताना है, ऑफ कोर्स ए प्लस बी नहीं पूछेंगे बट आपको आइडिया क्लियर है कि सिंपलेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन, कि भाई लूप लगा दूंगा, तीन लूप लगा दूंगा, चार लूप लगा दूंगा, ऐसा कुछ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, तुरंत ही बता देना, विद इन 3 से 4 मिनट, मतलब छूटते ही उन्होंने सवाल दिया, और ब्रूट फोर्स तो मतलब निकल जाना चाहिए, सवाल खत्म होने से पहले निकल जाना चाहिए। ओके फिर आराम से टाइम लो, ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन निकालो, ओके मैं चला गया ओवन या लॉग इन में कर दिया तो पैर धोंगे ना, हाँ ओवन या लॉग इन, लॉग इन ओवन तो वैसे बहुत मुश्किल है, बहुत सारे सवाल नहीं हो पाते,
लॉग इन में कर दिया तो बस खत्म। आगे चलो ठीक है, तो जल्दी से एक वो लेते हैं, क्या लेते हैं वो, वही पांच मिनट का ही दूं क्या? 5 मिनट का ही दे दूं क्या सिर्फ? 30 मिनट चलो 9:50 तक दे देते यार, रूल्स नहीं तोड़ते। ओके क्लास लंबी कर लूंगा, मैंने भी तो रूल बना रखा है कि क्लास लंबी करो आराम से। देखो मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा है, तुम्हें पढ़ने में मजा आ रहा है, तो टाइम तो क्या ही है, टाइम तो बस नंबर है एक। नहीं भैया अगली क्लास देने के लिए अब भी बोलोगे क्या? मैच चालू है, मैच किसके बीच मैच चालू है मुझे समझ नहीं आया। सेकंड लूप मंदिर क्लोज, देख 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 ये हैश मैप क्रिएट करने तक तुझे समझ आ गया? अरे मैंने तो शेयर ही नहीं कर रखा है। चल क्लास स्टार्ट होता है तो जल्दी बता देता हूँ। अब ठीक है, अब ब्रेक ले लो यार, ब्रेक ले लो, चिंता ज्यादा स्ट्रेस। आयरलैंड वर्सेस इंडिया, बस आयरलैंड से भी हार जाए यार एक बार, वेस्ट इंडीज से तो हार गई है ना, बस आयरलैंड से हार जाए यही रह गया है। लंबे वीडियो, हाँ 3 घंटे से ज्यादा नहीं करूंगा यार, 3 घंटे, 11 बजे खत्म कर देंगे। ट्रेन नहीं, नहीं यार नहीं, ट्रेन वो मतलब लक पे नहीं छोड़ते गेम अपन। हैश मैप कंस्ट्रक्शन की एक पूरी क्लास आएगी यार, लेवल अप में आएगी, पूरी कंस्ट्रक्शन की एक पूरी पूरी क्लास आएगी। अच्छा मैं पहले से कहीं प्रेजेंट है कि नहीं? यस रचित प्रो, यस मेंटर्स। अच्छा यार मेंटोरशिप लेक्चर भी है ना, मुझे निशान से पूछना होगा मेंटोरशिप लेक्चर के बारे में। ओके एक तो अपूर्व भैया की है, नहीं अपूर्व भैया की संडे को क्लास करवा देता हूँ, 2 सवाल पढ़ लेना और कॉम्पिटेटिव के बारे में पूछ लेना यार, कॉम्पिटेटिव से रिलेटेड सब कुछ ही करवा देंगे वो। अच्छा बुमराह इज बैक क्या? अरे सही, फिर तो देखने लायक है। अभी क्लास छोड़कर देखने लायक नहीं है। ओके तो चलो हमने कहा अच्छा सर ने बोला है देखने लायक है तो क्लास के साथ ही देख लेता हूँ, ये नहीं करना। सूर्य कुमार यादव भी नहीं खेल रहा क्या? यार मुझे सूर्य कुमार यादव एंड ईशान किशन ये दोनों काफी अच्छे प्लेयर लगते हैं, आई समहाउ लाइक देम, यादव और ईशान किशन दोनों ही नहीं खेल रहे यार। एमआई फैन नहीं, नॉट एग्जैक्टली, बट ये दोनों मुझे अच्छे लगते हैं। जैसे मैंने, मुझे ईशान किशन बहुत अच्छा नहीं लगता था, बट मैंने उसका एक पॉडकास्ट देखा था, किसके साथ आ रखा था, ही इज क्वाइट फनी, मतलब ही इज काफी फनी वैसे। और सूर्य कुमार यादव का तो धोनी, धोनी तो लव है, बट इन वेल कैन वी डायरेक्ट, या वी कैन डायरेक्टली यूज आर्य भाई मनन ब्रो डायरेक्टली, मैंग में जॉब फिर सिक्योर। तिलक वर्मा भी अच्छा खेल रहा है यार, तिलक वर्मा को मैंने आईपीएल में बहुत ज्यादा नहीं देख रखा, मतलब आई मैं उससे नहीं फोकस नहीं करता था तिलक वर्मा पे बहुत ज्यादा हम लोग, बट अभी तो वेस्ट इंडीज के साथ तो काफी अच्छा खेला उसने। रणवीर अलाहाबादिया के साथ क्या? हाँ मे बी आज 12 तक क्लास नहीं यार, 11 11 से ऊपर तो अभी तो सिर्फ एक सवाल करा है ना। कोई नहीं जल्दी जल्दी हो जाएगा, चिंता ना करो। चिंता क्यों करते हो बालक, भाई आया है बताकर जाएगा तो गेम में। मुझे तो सॉल्यूशन सूझा भी नहीं। अरे यार ई एम आई का वो आ गया, ई एम आई कह रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड बिल। एक सेकंड दे दो यार,
कौन सा गाना, कौन सा गाना सुनना है यार तुम लोग को? ऑल राइट ऑल राइट, एक सेकंड देते आप बस। ओके चलो चलो चलो,
स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का क्या सीन है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्शन में पढ़ेंगे सर इसको, फिर बताऊंगा। वेरिएबल जैसे ही है, एक वेरिएबल एक उसका। ओके हमने सुनो। हाँ सिंटैक्स, सिंटैक्स का डिफरेंट है यार, कोई चिल सीन है। चलो तो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं यार। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फर्स्ट नॉन रिपीटिंग एलिमेंट्स, सिंपल सा। फर्स्ट नॉन रिपीटिंग एलिमेंट्स मीनिंग 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 देखो यार, ये एरे है, पता नहीं इसमें फर्स्ट नॉन रिपीटिंग एलिमेंट कौन सा है। मंदर ब्रो बता दूंगा ओके, चिल चिल कर बताता हूँ वो तुम इस पे फोकस कर ले, वो समझ आ जाएगा। इस क्वेश्चन में भी सेम लूप लिखूंगा एग्जैक्टली सेम, ओके तो समझ जाएगा। फर्स्ट नॉन रिपीटिंग एलिमेंट्स थ्री, देखो यार वन वन रिपीटिंग है या नहीं, दो बार रिपीट हो रहा है, टू टू भी रिपीटिंग है, थ्री थ्री नॉन रिपीटिंग है। ओके नेक्स्ट, इसमें बताना फर्स्ट नॉन रिपीटिंग एलिमेंट यहां पे थ्री एग्जैक्टली। कुछ नहीं करना, स्टार्टिंग से चेक करते रहना। फाइव यार, फाइव तो रिपीटिंग है, ये देखो फाइव यहां भी है, फाइव यहां भी है। फोर फोर तो रिपीटिंग है, तो बार रखा। थ्री स्टार्ट से एंड की तरफ जाते हुए, थ्री वो पहला नंबर है जो नॉन रिपीटिंग है, तो थ्री आपका आंसर हो जाएगा। आगे आगे आइडिया, बता दो जल्दी से कैसे सॉल्व करोगे, जल्दी से बता दो। जॉर्ज नहीं नहीं सभी दो बार रिपीट करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है निगम ब्रो, कितनी भी बार रिपीट कर सकते हैं, हमें फर्स्ट नॉन रिपीटिंग चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि फोर दो बार ही रिपीट करेगा, फोर तीन बार भी रिपीट कर सकता है। लिंक्ड हैश मैप, वाह ब्रो लिंक ना तो लिंग्लिश बता रखा है मैंने, लिंक्ड हैश मैप तो कैसी ऐसे। नहीं 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 अरे सिंपल सा है, अभी अभी करा वही करना है। देखो यार ये एरे अलग से, क्या आप सभी बंदों का फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो एक हैश मैप में, क्या सभी बंदों की फ्रीक्वेंसी बता सकते हो मुझे? हाँ 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 बिल्कुल, सभी क्या फ्रीक्वेंसी बता सकते हो, तो ये रहा आपका एच एम, सभी की कर दो फ्रीक्वेंसी इसमें स्टोर। फाइव के कॉरेस्पॉन्डिंग वन, फिर फोर के कॉरेस्पॉन्डिंग वन, फोर के कॉरेस्पॉन्डिंग टू, थ्री के कॉरेस्पॉन्डिंग वन, सिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग वन, सेवन के कॉरेस्पॉन्डिंग वन, फाइव के कॉरेस्पॉन्डिंग टू, सिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग टू, ये रहा। अच्छा अब अगर ये काउंटिंग आपने कर ली, अब बताओ अब इस एरे में वो फर्स्ट एलिमेंट चाहिए जो नॉन रिपीटिंग है, तो क्या करोगे? कुछ नहीं, सिंपली चेक कर लो, वापिस से इस एरे पे ट्रेवल करो, फाइव के कितनी अकरेंस है बताना जरा, टू, फाइव आंसर नहीं है। नेक्स्ट एलिमेंट इज फोर, फोर की कितनी अकरेंस है बता दो, टू, फोर भी आंसर नहीं है। नेक्स्ट एलिमेंट इज फोर, फोर की कितनी अकरेंस है, टू, फोर भी आंसर नहीं है। नेक्स्ट एलिमेंट इज थ्री, थ्री की कितनी अकरेंस है, वन, थ्री आंसर है, राइट? तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप इज आइटरेट ऑन एरे एंड गेट द फर्स्ट एलिमेंट
विथ फ्रीक्वेंसी वन। सिंपल। अच्छा एक बात बताना, क्या मैं इस हैश मैप के कीज को जो मैंने फॉर लूप लिखना सिखाया है, क्या मैं वैसे हैश मैप में ही आइट्रेट कर सकता हूं? क्या मैं हैश मैप में ही अगर लेट से इसके कीज में ही आइट्रेट करना चाहता हूं तो कर सकता हूं? नहीं, उसमें ऑर्डर रैंडम होता है यार। याद है प्रिंट करा था तो किसी भी ऑर्डर में आ गया था, तो क्योंकि ऑर्डर रैंडम है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि थ्री पहले आएगा। हो सकता है, पता नहीं बट पॉसिबल है कि यार हैश मैप में ट्रैवल करते टाइम सेवन पहले आ जाए और आप सेवन की फ्रीक्वेंसी वन देखो, सेवन प्रिंट कर दो, राइट? तो आपको एरे पे ही ट्रैवल करना होगा फिर से, और एरे में ट्रैवल करते हुए फर्स्ट एलिमेंट जिसकी फ्रीक्वेंसी वन है वो प्रिंट करने की जरूरत है। ओके तो कोड लिखे इसका जल्दी से। तो ये लिखते हैं कोड, कोड तो कोड हमारा क्या है, पहला एलिमेंट तो लेट से फंक्शन लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक इंट। इंट में आपका फर्स्ट नॉन रिपीटिंग, सबसे पहला स्टेप क्या था बताना जरा, सबसे पहला स्टेप क्या था? कीज तो रैंडम मिलते हैं, एरे में ट्रैवल करते टाइम तो रैंडम नहीं मिलेंगे कृष्णा ब्रो, एरे में आइटरेट करूंगा, एरे का ऑर्डर डिफरेंट थोड़ी आएगा। मैप डिफाइन एंड फ्रीक्वेंसी काउंट, तो मैं ठहरा आलसी इंसान, मैं क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी तो काउंट करनी है, फ्रीक्वेंसी काउंट करने का तरीका अलग थोड़ी ही होगा, फ्रीक्वेंसी काउंट तो सेम है, तो ये कर दिया आपका फ्रीक्वेंसी मैंने काउंट, देखा फ्रीक्वेंसी काउंट हो गया। नेक्स्ट बता दो, सॉर्टिंग होती है ओमनिस प्रो, अब बता दो फ्रीक्वेंसी कर लिया मैंने काउंट, अब एरे में सभी बंदे आ गए, अब वापिस से एरे में ही ट्रैवल करूंगा, एरे का ऑर्डर तो फिक्स है, एरे में ट्रैवल करूंगा और एरे के एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी देख लूंगा मैप से। एरे में फर्स्ट नॉन रिपीटिंग चाहिए था तो वापिस से ट्रैवल मैं एरे में ही करने वाला हूं भाई, हैश मैप में नहीं जा रहा ट्रैवल करने। अब इसमें देख लूंगा कि भाई इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, अगर ये वन है तो क्या करो, जो पहला बंदा आएगा जिसकी फ्रीक्वेंसी आ गई वन क्या करना है उसका, वही आंसर है, रिटर्न कर दो वो बंदा, वही बंदा तो आंसर है हमारा, रिटर्न कर दिया हमने एरे ऑफ आई और ये हो गया हमारा खत्म। अच्छा अगर सभी बंदे रिपीट कर रहे हैं तो उस केस में रिटर्न कर दो माइनस वन, ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी नॉन रिपीटिंग ना हो, तो ऐसा प्रॉब्लम में दे रखा होगा, मेंशन कर रखा होगा कि रिटर्न माइनस वन इफ ऑल द एलिमेंट्स आर रिपीटिंग। ओके तो आप कर दो रिटर्न माइनस वन। ओके तो ये रहा फर्स्ट नॉन रिपीटिंग, एल्स में कुछ भी नहीं करना इसकी चंद्रा साई प्रो, एल्स में आगे बढ़ जा नेक्स्ट उसमें जा, तो एल्स लिखने की जरूरत नहीं है। ओके अगर दो बंदे हो एक एरे आई से हो जाएगा क्या, अगर दो बंदे हो तो फहद ब्रो में पहला नॉन रिपीटिंग चाहिए, अगर दो नॉन रिपीटिंग है उसमें पहले कौन सा आकर कर रहा है तो जो पहले मिलेगा वो आंसर हो जाएगा। चलो जल्दी से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दो, मिलियन डॉलर क्वेश्चन, जल्दी से सभी लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ यार, क्या तुम भी कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इस वाले कोड की? नहीं नहीं अगर माइनस वन यूनिक नहीं हुआ तो माइनस वन, नहीं नहीं अगर कोई भी यूनिक नहीं हुआ तो माइनस वन रिटर्न करना है, ऐसा प्रॉब्लम में दे रखा होगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ ऑफ ट्वाइस एन, देखो एक बार एन का लूप लगाया फिर से एक बार एन का लूप लगाया तो ट्वाइस ऑफ एन, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, ओ ऑफ एन ऑफ कोर्स, तो ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी। आगे
कूल। ऑसम। चलो जल्दी से आ जाओ, एक नई न्यू चीज बताता हूँ। तो नेक्स्ट चीज हैश सेट। सेट कहते हैं या हैश सेट भी कह सकते हो, दोनों ही कहते हैं इसको, राइट? यहां पे अच्छे से लिखते हैं। हैश सेट रिटर्न से ब्रेक हो जाएगा। हाँ तनुश्री, रिटर्न करते ही फंक्शन खत्म हो जाता है। नो नो व्हाई डिडंट यू यूज, नमनिक रिटर्न यूज करा ना। देख रिटर्न का मतलब है कोड खत्म हो जाना, ब्रेक का मतलब तो लूप से निकलता, रिटर्न मतलब खत्म। ये ही आंसर मेन में जाकर प्रिंट कर दे। ओके ओके, तो हैश सेट का क्या मतलब है यार? देखो यार, ऐसा हो सकता है कि आपको हैश मैप में सिर्फ कीज की जरूरत पड़े। ऐसा हो कि भाई हैश मैप के कीज की जरूरत पड़ेगी आपको, तो हैश मैप की कीज की जरूरत पड़ेगी, उसे हैश सेट कहते हैं। ओनली दी की पार्ट ऑफ हैश मैप, सिर्फ की पार्ट अगर मैं लिखूं तो उसे हैश सेट कहते हैं। मतलब दिखाता हूं। पहले तो इसे इनिशियलाइज कैसे करते हैं, तो सिंपली ये लिखना होता है हैश सेट एच और एस कैपिटल, जैसे हैश मैप में एच और एम कैपिटल, वैसे एच और एस कैपिटल। यहां पे सिर्फ एक चीज देना होता है, की का टाइप। अगेन हैश मैप वाले रूल्स फॉलो होंगे कि भाई इंटीजर, डबल, लॉन्ग, स्ट्रिंग, इनका ही कीज बना सकते हो। लेट्स से एच एस नाम देता हूं, इक्वल टू न्यू हैश सेट। इससे बन गया आपका हैश सेट। सिंपल विजुअलाइज करना है, कुछ नहीं, ऐसा समझो हैश मैप का सिर्फ की है। अगर प्रॉब्लम में, किसी भी प्रॉब्लम में सिर्फ कीज की जरूरत पड़े तो आप हैश सेट बनाओगे, सिर्फ कीज। इट मींस यूनिक सेट। यस, तो ये एचएस नाम है इसका। ओके, तो अब देख लो जल्दी जल्दी, इसमें दिखा देता हूं क्या क्या कर सकते हो क्या क्या नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले बंदा एड, तो एचएस डॉट एड या पुट दोनों ही कर सकते हो। तो एच एस डॉट एड लिख देता हूं, एच एस डॉट एड 10। बताना जरा एच एस डॉट एड 10 से क्या होगा? वैल की डिन नहीं है फिर, राइट? हाँ एग्जैक्टली, जिस क्वेश्चन में वैल की जरूरत नहीं है, आपको लग रहा है कि भाई सिर्फ कीज कीज बनाऊंगा, तो उसके लिए हैश सेट है। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे तो समझ जाओगे। 10 ऐड कर दिया, बहुत ही अच्छे। एच एस डॉट एड 20 करूंगा, बताना जरा क्या होगा? 20 ऐड हो जाएगा, बहुत ही अच्छे। अच्छा बताना जरा एच एस डॉट एड फिर से 10 करूंगा, अब क्या होगा? टेन तो ऑलरेडी ऐड कर रखा है, दोबारा से करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या होगा? एरर नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं होगा। बेसिकली इस 10 को रिप्लेस कर देगा, इस 10 को हटाकर नया 10 आ जाएगा। मतलब 10 कुछ भी चेंज, अल्टीमेटली कोई चेंज नहीं होगा, नथिंग बेसिकली, राइट? ओके, उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज अगेन एच एस डॉट रिमूव। बताना जरा रिमूव 10 से क्या होने वाला है? इज दिस स्टैक? नहीं, वैष्णवी, रैंडम कीज ऑफ हैश मैप, बताया तो नो स्टैक का, किसी और से कंपेयर नहीं करना है, हैश मैप का कीज वाला पार्ट। सॉर्टेड नहीं, हैश मैप का कीज, सिंपल, कुछ एक्स्ट्रा सोचना ही नहीं है। हैश मैप के कीज को जानते हो, वही है, रैंडम ऑर्डर, कुछ सॉर्टेड नहीं होगा इसमें, रैंडम ऑर्डर वैल्यूज आएंगी। ओके, फिर एच एस डॉट कंटेन्स होता है यहाँ पे, एच एस डॉट कंटेन्स 20। बताना जरा क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है एच एस डॉट कंटेन्स से? ट्रू और फॉल्स, कंटेन्स की जगह ये कंटेन्स देता है, कि अगर प्रेजेंट है तो ट्रू दे दो, अगर आप लिखोगे एच एस डॉट कंटेन्स 30, तो क्या होगा? फॉल्स।
ओके okay. अच्छा एक हैश मैप में भी मैं एक चीज बताना भूल गया था, डॉट साइज। अगर आप कितने कीज हैं ये निकालना चाहते हो तो पॉसिबल है। ओके तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं साइज, दैट इज एच एस डॉट, जो भी नाम लिख रखा है आपने हैश मैप का, डॉट साइज लिखोगे तो कितने कीज हैं वो आपको मिल जाएगा। ओके सिमिलरली पुट या ऐड कुछ भी यूज कर सकते हैं, हाँ तो नहीं चलेगा। सिमिलरली यहां भी ये एक साइज का है, एच एस डॉट साइज। बताना जरा अभी एच एस डॉट साइज क्या मिलेगा आपको, 111 एग्जैक्टली। ठीक है तो की सिंपल सा वही की बिल्कुल ही डिट्टो हैश मैप कॉन्सेप्ट है, वैल को हटा दिया है, सिर्फ कीज कीज चाहिए तो हैश मैप। अब बोलोगे अनऑर्डर, लिख देता हूं यहां पे, लिख देता हूं अगर आपको रिवीजन करने के टाइम, अनऑर्डर्ड, ये अनऑर्डर्ड है भाई, रैंडम ऑर्डर्ड, इनफैक्ट अनऑर्डर्ड तो कुछ और ही होता है, रैंडम ऑर्डर आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करोगे और किसी भी ऑर्डर में वो ऐड होगा, ऐसा है। ओके ओ ऑफ एन प्लस एन प्लस एन इज इक्वल टू ओ ऑफ एन प्लस एन, यस पार्थ ब्रो, यस। चलो नेक्स्ट सॉल्व करते जल्दी से, अगर ये क्लियर है तो ये सॉल्व करके दिखा दो यार, खुद से सॉल्व करके दिखा दोगे तो मजा आ जाएगा, मैं चैन से सोऊंगा रात को। तो एन एलिमेंट्स है array of n, you have to find number of distinct elements, उस array में कितने distinct elements है ये पता करना है। तो let's say 4 6 7 6 5, let's say this is the array, बता तो जरा क्या आंसर होगा इसका, 4 6 7 6 5, 3 3 3 3 3 exactly, कितने distinct element है, 4 distinct, कितने distinct element है, as in जो दो बार repeat हो रहे हैं उसको भी एक बार count करना है, तो 4 7 और 5 ये तो तीन है, 6 दो बार repeat हो रहा है तो उसमें से किसी एक की काउंटिंग होगी, डिस्टिंक्ट एलिमेंट का ये मतलब है। यहां पे थोड़ा सा मे बी प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने गलत तरीके से बोला, डिस्टिंक्ट का मतलब है कितने यूनिक एलिमेंट्स है, ऐसा समझ गए राइट, क्या अगर डुप्लीकेट है, तीन अकरेंस है तो एक बार, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं तो और बेटर समझ आ जाएंगी चीजें। लेट से आपके पास है 10 10 10 20 20, अब बताना जरा क्या आंसर होगा इसका, काउंट एवरी एलिमेंट जस्ट वंस, एग्जैक्टली 2 2 2 एग्जैक्टली, इसका आंसर 2 होगा कि भाई एक 10 है, तीन बार चार बार फर्क नहीं पड़ता, एक बार काउंट होगा, एक 20 है तो आंसर इज 2। जल्दी से बता दो कैसे बनाओगे, कैसे करोगे, साइज वन क्या है सर, साइज वन एज इन, पानी गिर गया बता देता कंटेंस फॉल्स वगैरह, हैश डॉट हैश मैप डॉट साइज लिखे ना, हैश मैप डॉट साइज भी कर सकते हैं। देखो यार बहुत ही आसान आइडिया, कुछ भी नहीं करना था, देखना देखना ध्यान से देखना आइडिया, देखना यार ये रहा एरे, लेट्स से दिस इज द एरे, दिस इज द एरे, अब क्या करना है, एक बना लो हैश सेट, अब करने लग जाओ एलिमेंट्स को ऐड, ये मिला 10, मैंने क्या कर दिया 10 को ऐड, अच्छा फिर से 10 मिला, मैं क्या करूंगा, फिर से 10 मिल गया, अब क्या करूंगा, ऐड कर दो ऐड, हैश सेट में ऐड करने पे अपने आप कुछ नहीं होता, अगर 10 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो कुछ भी नहीं होगा, फिर से 10 मिला, फिर से कर दो ऐड और फिर से कुछ नहीं होगा, 20 कर दो 20 ऐड, कुछ भी नहीं होगा, अगेन 20 कर दो 20 ऐड,
ये पहला 20 था तो वो ऐड हो गया, अब 20 ऐड करोगे कुछ भी नहीं होगा। अल्टीमेटली हम आंसर में क्या रिटर्न करने वाले हैं? साइज, कि भाई कितने बंदे हैं, जो भी डुप्लीकेसी है उसे हैशसेट खुद ही हटा देगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये रहा आपका सूडो कोड। सूडो कोड जल्दी से बता दो क्या करने वाले हो। फंक्शन वंक्शन भी नहीं लिखूंगा, लिख देता हूं चलो, पब्लिक स्टैटिक इंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, और ये रहा आपका एरे। देखो फंक्शन वंक्शन सिर्फ लिखता हूं ताकि आप घर जाकर खुद हाथ पांव मारो थोड़ा सा कोड लिखने के लिए एटलीस्ट, राइट। सबसे पहले हैश सेट बना दे, टाइप क्या होगा हैश सेट का? हैश सेट का टाइप क्या होने वाला है? इंटीजर। सभी बंदों को ऐड करना है हैश सेट में यार, ओके हैश सेट बना लिया। अब बनाऊंगा लूप, एरे एलिमेंट्स को ऐड करते रहो यार, सिर्फ ऐड करते रहना है, जो डुप्लीकेट एलिमेंट है वो अपने आप एक बार ऐड होगा भाई, हैश सेट की यही तो खास बात है, जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स है वो सिर्फ एक बार ही ऐड होगा, कीज है, रिप्लेस हो जाता है बेसिकली, एक 10 एडेड है दूसरा 10 ऐड करोगे वो रिप्लेस हो जाएगा। फॉर लूप से निकलो और रिटर्न कर दो एच एस डॉट साइज, जितने एलिमेंट्स है सभी एक एक बार ऐड होंगे, खत्म। कितनों को ये बात समझ आ गई जल्दी जल्दी बता दो, कितना चमक गया, बिल्कुल ही सही 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 सही। चलो तो वैसे तो 10:15 हो गया, बट मुझे नहीं दिख रहा टाइम, कहाँ टाइम, टाइम क्या होता है टाइम? क्या होता है ये टाइम? मेरे होटल में बंदे अभी समझ। ओके तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट वही, गिवन एरे ऑफ एन, चेक इफ देयर एग्जिस्ट्स अ पेयर आई कॉमा जे सच दैट एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे इज इक्वल टू के एंड I is not equal to J. Simple. As simple as that. ये पता करना यार, हमको भी नहीं दिख रहा सर फर्क ये कि हमको चक। ओके तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये रहा आपका एरे 10 साइज का लेट्स से, राइट, एंड ये रहा एलिमेंट्स 8, 9, 1, -2, 4, 5, 11, -6, 7, 5, ये रहा। और के की वैल्यू लेट्स से 11 है, बताना जरा k की वैल्यू 11 है तो आंसर क्या होगा? अरे ओमनिस ब्रो नाइस, तो यहां मजे करने आता है ओमनिस में, सही सही बताइयो। तो k की वैल्यू 11 है, ट्रू और फॉल्स? क्या ऐसा कोई सा भी पेयर है जिसका सम 11 के इक्वल है? जल्दी से बता दो, नहीं। क्या बात कर रहे हो, एरे ऑफ 4 प्लस एरे ऑफ 8, एरे ऑफ 4 इज 4, 4 प्लस 7 ऑफ कोर्स 11, आंसर इज गोइंग टू बी ट्रू।
ओके कूल, के इज इक्वल टू 6 बताना यार, के इज इक्वल टू 6, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? ट्रू 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 ट्रू, एग्जैक्टली। एरे ऑफ 0 प्लस एरे ऑफ 3, 8 माइनस ऑफ 2 विच इज 6। ओके कूल, ओके के इज इक्वल टू 22 बताना यार, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स 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 फॉल्स। वैसे ये एरे ऑफ 6 प्लस एरे ऑफ 6 तो 22 आ रहा है, क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत हो गई? आई नॉट इक्वल टू जे, एग्जैक्टली, आई और जे इक्वल नहीं हो सकता, तो आंसर इज फॉल्स और कुछ भी नहीं है। ओके, तो आइडिया नंबर वन, ब्रूट फोर्स, ब्रूट फोर्स, जल्दी जल्दी आइडिया नंबर वन, छूटते ही जो क्वेश्चन खत्म होने से पहले बताना होता है, जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बता दो। नेस्टेड लूप जो हमने करा था, चेक फॉर ऑल, चेक ऑल पेयर्स फॉर सम इज इक्वल टू के, कितने लोग कह रहे हैं कि भाई इस आइडिया का कोड तो लिख लूंगा, अभी थोड़ा सा तकल्लुफ है याद करने में, बट सर एक बार रिवाइज करूंगा तो याद आ जाएगा। यस 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 एग्जैक्टली, ये प्रॉब्लम हमने कर रखा है, नेस्टेड लूप के साथ हमने कर रखा है, बिल्कुल ही एज इट इज कर रखा है, कोड वगैरह सब कुछ ही कर रखा है, तो मुझे बस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दो, नेस्टेड लूप से लिखेंगे तो क्या आएगा? मैं कहता हूँ डायरेक्ट, ऑफ कोर्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर। कूल, नेस्टेड लूप तो एन स्क्वायर, ऐसा हमेशा ट्रू नहीं है, देखो हम लोग ऐसे कोड करेंगे जिसमें नेस्टेड लूप होने के बाद भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन हो जाएगा, बट इसमें एन स्क्वायर ही है, वो वही टेबल बनाओगे तो समझ आ जाएंगी चीजें, बस टेबल ही बनाना होता है, तो इसमें एन स्क्वायर ही आएगा। ओके एन सही, अरे अभिषेक ब्रो का करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलो तो ये आइडिया नंबर वन तो मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप रिवाइज कर लोगे। आइडिया नंबर टू, देखो अब ऐसे ऐसे टाइम पे ही आप जज कर सकते हो कि आप मेहनत कर रहे हो या नहीं, ये अगर आपको एक प्रिसाइजली याद है और अभी आप प्रिसाइजली इंप्लीमेंट कर सकते हो तो आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो, अगर आपको धुंधला धुंधला सा याद है तो धुंधला धुंधला सा मेहनत कर रहे हो, और अगर बिल्कुल भी याद नहीं है तो प्रैक्टिस की जरूरत है, एग्जैक्टली, तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। नहीं, सीख लेंगे, चीते बन जाएंगे, रिवाइज करना स्टार्ट करो, चीते बन जाओगे। हाँ उमेश, ओके चलो चलो, अब आइडिया बता दो यार, कोई नहीं नहीं याद है इसको, कोई बात नहीं, सीधा ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन बता दो, कोई बात नहीं, उस इंटरव्यूअर को बोलना देखो यार एन स्क्वायर का तो पता नहीं, बेटर सॉल्यूशन बता सकता हूँ, ट्रायंगल याद आना चाहिए, एग्जैक्टली। चलो 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 जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी बता दो यार, सिर्फ आदित्य ब्रो ने बताया है, और लोग भी लिख दो जल्दी से। हैसेट, फाइंड हैसेट। पालको मित्रों, हैसेट से नहीं बात बनेगी, बट ये देखना जरूरी है कि हैसेट से बात क्यों नहीं बनेगी, तो चलते हैं और फिगर आउट करते हैं हैसेट से बात क्यों नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी हैसेट से बात। तो ये देखो, अगर आप ऐसा सोच रहे थे, देखो आपने बताया भी नहीं, आपने सिर्फ हैसेट लिखा, और मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हो, मैं आपको बताता हूँ आप क्या सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि यार सबसे पहला स्टेप नंबर वन कि इंसर्ट ऑल द एलिमेंट्स इन हैसेट, सबसे पहले हैसेट बना लो, तो ये बन गया मेरा हैश सेट, तो ये लिखा मैंने एच एस,
और ये मैंने कर दिया कॉपी, इंडेक्स नहीं होगा हैशसेट में, बेसिकली नंबर्स रैंडमली पड़े होंगे, नंबर्स रैंडमली पड़े होंगे और एक एक बार पड़े होंगे, दो बार कुछ भी नहीं होगा। तो फाइव को हटा दो, और कुछ डुप्लीकेट है क्या जल्दी से देखना एक बार, 8, 9, 1, -2, 4, 5, 11, -3, आई डोंट थिंक सो, राइट, सब कुछ यूनिक है। ओके, तो ये बन गया आपका हैश सेट, रैंडम ऑर्डर में होगा, हम ऑर्डर यूज नहीं करेंगे, इस ऑर्डर में नहीं होगा, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, बट ठीक है हम ऐसे ही लिख लेते हैं अभी के लिए, राइट। ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से हमें a प्लस बी इज इक्वल टू, a इज एरे ऑफ i, एक इंडेक्स और दूसरा इंडेक्स, एलिमेंट है एरे ऑफ i और एरे ऑफ j को a और b लिख दिया है, आलसी इंसान, राइट। तो एरे ऑफ i इज a, एरे ऑफ j इज b, तो हमें a प्लस बी 11 चाहिए, k की वैल्यू 11 है। तो देखते हैं a और b लिखते हैं। अच्छा बताना जरा, अगर हमें a और b 11 चाहिए, करेक्ट, और मैं समहाउ क्या कर रहा हूं, मैं समहाउ 8 को अज्यूम कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि a 8 के बराबर है, इस 0th इंडेक्स के बराबर है, तो b किसके बराबर चाहिए आपको? अगर आपको सम 11 करना है और a मैंने 8 कर दिया, तो b कितनी चाहिए होगी आपको? 3, 3, 3, ऑफ कोर्स, तभी तो a प्लस बी 11 निकल कर आएगा। तो a तो आपने 8 यहीं से पिक करा था, b आपका आ गया 3, क्या 3 प्रेजेंट है आपके सेट में? देखना जरा, सेट मतलब एरे के एलिमेंट्स ही तो है, क्या 3 प्रेजेंट है हैश सेट में? नहीं, तो यहां लिखता हूं, तो नो, कोई बात नहीं, अभी नहीं प्रेजेंट, तो और भी पॉसिबिलिटीज है यार, और भी चीजें हो सकती है। अब नेक्स्ट बंदे को रख लेते हैं कि ए कोई नहीं, 9 है हमारा, ए 9 पे फिक्स कर लेते हैं। अच्छा, ए अगर 9 है तो बताना बी क्या चाहिए होगी, बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 11 के लिए? 2 प्रेजेंट है क्या? अब 2 प्रेजेंट है या नहीं, वो सिंपली आप हैश सेट में देख सकते हो, O1 में बता देगा, हैश सेट का भी सब कुछ O1 में ही होता है, नहीं है प्रेजेंट, तो नो लिख दो, बहुत ही अच्छे। अब नेक्स्ट ए 1, बताना बी क्या चाहिए होगा, की कंटेंस करके, हाँ चंद्र साहिब, एग्जैक्टली 10, एग्जैक्टली, तो बताओ बी प्रेजेंट है क्या? नहीं यार, बी भी प्रेजेंट नहीं है, कोई बात नहीं, चलेगा, बिल्कुल सही। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट इज -2, ए -2 है, डी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 13 प्रेजेंट है क्या हैश सेट में? ऑफ कोर्स नहीं, बहुत ही अच्छे। ओके, अब ए को रखा 4, अब बता दो बी कितनी, बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 7, 7, 7, ये 4 तो हमने एरे से ही पिक करा था, 7 को भी हमने एरे में ही चेक करा, हैश सेट के थ्रू चेक करा, क्योंकि O1 में चेक हो जाएगा, आइटरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंटेंस से पता चल जाएगा 7 प्रेजेंट है, यस। तो जैसे ही मुझे 7 प्रेजेंट मिला, तो मैं क्या करूंगा, ट्रू कर दूंगा, रिटर्न, आंसर मिल गया भाई, आंसर मिल गया मित्रों, आंसर तो मिल गया। अच्छा, कितनों को लगता है कि ये बात तो सही है यार, भैया ये तो सही तरीका बताया आपने, हमने इसमें अभी चिलकर जो प्रॉब्लम है उस पर फोकस करते हैं, वही ट्रिकी है बहुत लोगों के लिए। नहीं नहीं नहीं, क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या प्रॉब्लम हो गई भाई, क्या प्रॉब्लम हो गई? बताओ क्या प्रॉब्लम हो गई? सेम इंडेक्स, एग्जैक्टली सेम इंडेक्स का पंगा यार, देखो दिखाता हूं, सेम वही करते हैं, बट इस बार -4 लेते हैं कि भाई मुझे चाहिए -4, सेम प्रोसेस, वही प्रोसेस। तो अगर मुझे -4 चाहिए, फिर से वही करूंगा, ये रहा ए, ये रहा बी, इज बी प्रेजेंट? ओके, तो बता दो ए 8 है तो बी की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, करेंगे चंद्रा साहिब ब्रो, सोचेंगे, चिंता ना कर, बी कितनी चाहिए होगी वैल्यू, टोटल -4 चाहिए हमें, तो बी -12 होगा, -12 + 8 -4 होगा, -12 प्रेजेंट है क्या?
ऑफ कोर्स नहीं, ओके। फिर मैंने 9 लिया, ए की वैल्यू 9 है, बताना बी कितनी चाहिए होगी, बी की वैल्यू -4 चाहिए हमें, तो -13 वैल्यू होनी चाहिए, -13 प्लस 9 -4 है तो नहीं, ओके। ए की वैल्यू 1 है, बताना बी कितनी चाहिए होगी, बी की वैल्यू ए 1 है, सम -4 चाहिए हमें, -5, -5 प्लस 1 विल बी -4, -5 प्रेजेंट है क्या एरे में, नहीं नहीं ऑफ कोर्स नहीं, ओके। ए की वैल्यू -2, बी की क्या रिक्वायरमेंट होगी, -2। अब इस हैश सेट में चेक करोगे तो -2 प्रेजेंट है या नहीं, यस यस यस, तो आप क्या कर दोगे, आप कर दोगे ट्रू रिटर्न। देखना जरा एरे में, एरे देखकर आपको क्या लग रहा है, आंसर ट्रू होगा भाई, -2 सेम है, फॉल्स है, -4 आप नहीं निकाल सकते हो यहां पे कहीं से भी, चेक कर लो, -4 इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। आपने -2 को -2 से ऐड कर दिया और वो आंसर बता रहे हो, बेसिकली हैश सेट में क्या पंगा हो रहा है, आप इंडेक्स का ध्यान नहीं रख पा रहे हो, आप ये नहीं पता कर पा रहे हो कि भाई जो -2 है वो एक बार है या दो बार है, सेम एलिमेंट अगर आप ऐड कर रहे हो -2 -2 तो -2 की दो अकरेंस होनी चाहिए थी एरे में, एक अकरेंस में बात नहीं बनेगी, क्या ये बात क्लियर है सबको, कि भाई अगर सेम एलिमेंट है तो उसकी दो अकरेंस होगी तभी ये सॉल्व होगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा, तो अगर ये बात क्लियर है तो ये रहा आपका फाइनल आइडिया। हम क्या करने वाले, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताओ, आई नॉट इक्वल टू जे, एग्जैक्टली चंद्र साहिब, आई नॉट इक्वल टू जे, तो कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं, हैश मैप फ्रीक्वेंसी, एग्जैक्टली हम फ्रीक्वेंसी भी रखेंगे, सिर्फ हैश सेट क्यों यूज करना है, यहां फ्रीक्वेंसी की भी रिक्वायरमेंट है, इंसर्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे इन योर हैश मैप, विथ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी डालो, फ्रीक्वेंसी भी डालो, अगर फ्रीक्वेंसी डाल रखा है तो बात बन जाएगी, जैसे मैं दिखाता हूं आपको, सेम एरे सब कुछ सेम लेंगे, ये करा कॉपी, ये डाला यहां, बट दिस टाइम ये हैश सेट नहीं बनेगा, ना, इस बार क्या बनेगा, हैश मैप। तो चलो जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंसी मैप बना दो भाई, फ्रीक्वेंसी मैप देख रहे हो, हर सवाल में फ्रीक्वेंसी मैप ही बना रहे हो आप, इनडायरेक्टली घूम फिर कर फ्रीक्वेंसी मैप पे आ जाते हो, 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1, 9 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1, -2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1, 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1, 11 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1, -6 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1, 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 और 5 को कर दिया 2, कर दिया 2। अब सेम चीज करते हैं, ये रहा a प्लस बी इज इक्वल टू -4, इसमें फंसा था देख लेते हैं, बहुत तेज बन रहा था -4, अभी देखते हैं भाई, आ जाओ मैदान में, सेम चीज वही फंडा, a 8 है, b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जल्दी 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 बता दे, चलो जितनी जल्दी बताओगे उतनी जल्दी क्लास खत्म होगी, वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बैठे रहो यहाँ पे, -12 प्रेजेंट है नहीं, ए की वैल्यू आ गई 9, बी जल्दी बता दो कितनी चाहिए, टोटल सम -4 है, अगर एक बंदा 9 है तो दूसरा बंदा क्या होगा, -13 नहीं, 1, बी की वैल्यू जल्दी बता दो, बी की वैल्यू -5 नहीं, नेक्स्ट इज -2, बी की वैल्यू अब दोनों एलिमेंट अगर सेम है तो मैं करूंगा चेक
अगर दोनों डिफरेंट थे तब तो सिंपली देख लो है या नहीं, बट अगर दोनों बंदे सेम है तो मैं करूंगा चेक कि भाई कितनी अकरेंस है। ओ अकरेंस एक ही है, अगर सिर्फ एक अकरेंस है तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप दो अलग अलग इंडेक्सेस से उठा लोगे। तो प्रेजेंट यस, बट एट सेम इंडेक्स। जैसी एक फ्रीक्वेंसी है समझ जाएंगे सेम इंडेक्स पे, और फिर कंटिन्यू कर लेंगे। ऐसी बात समझ आ गई सबको? जल्दी जल्दी बता दो बात समझ आ गई है, जल्दी जल्दी कोड लिखे। कोड इतना सिंपल नहीं होने वाला इसका, ना 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 ना, कोड इतना सिंपल नहीं होगा। तो ये देखो, सबसे पहले मैं बूलियन रिटर्न करना है पेयर सम का, राइट, कि भाई है या नहीं। और हमें क्या क्या मिलता है, एक एरे इनपुट मिलेगा और एक इंटीजर इनपुट मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग हमें पता करना है कि एरे में है या नहीं डिफरेंट इंडेक्स पे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जल्दी बता दो, किसी ने तो लिख भी दिया है। जल्दी बता दो, सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, फ्रीक्वेंसी मैप बनाने वाला हूँ भाई। तुम्हें मेरा तो पता ही है, मैं दिल से इंजीनियर हूँ। दिल से इंजीनियर क्या करते हैं, तुम लोग इंजीनियर बने नहीं हो अभी, तुम लोग अभी कॉलेज में हो मोस्टली, राइट, तो अभी इंजीनियर बने नहीं हो। तो अगर इंजीनियर बनना चाहते हो अच्छे कंपनी में जाकर, तो कॉपी पेस्ट मत करना घर पे जाकर, हर बार लिखना, क्योंकि मैंने कम से कम 100 बार लिख रखा होगा इसलिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। मेरे से मत सीखो, ये बता रहा हूँ, ये चीज मेरे से मत सीखो। आगे हम लोग कंपनी में यही काम आता है। आगे तो ये कर लिया फ्रीक्वेंसी मैप, अब एरे पे ट्रैवल करेंगे वापस से, ए और बी जैसा ही बना दूंगा, देखना। ये करा एरे पे ट्रैवल, कर लिया ट्रैवल, ये बनाया मैंने ए, तो ए तो कुछ नहीं, आईथ इंडेक्स खुद होता है। तो ए तो हम एक एलिमेंट को ही चूज करते थे, अच्छा 8A बन गया। अब अगर ए एरे ऑफ आईथ इंडेक्स है तो बताना बी कैसे निकालूंगा, बी किसके बराबर चाहिए, बी को ही तो चेक करेंगे बी प्रेजेंट है या नहीं, पहले बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जल्दी से बता दो बी कैसे चेक करोगे, जिस सम के बराबर आपको चाहिए, जो के वैल्यू गिवन है उसमें से ए सब्ट्रैक्ट ही तो करना है, नहीं? टोटल के दे रखा है आपको, यहां देखना के दे रखा है आपको, के इज 11, ये तो हमेशा दे रखा है, इसके बराबर ही तो चाहिए। ए आपने फिक्स कर दिया तो 11 में से 8 माइनस करोगे तभी तो 3, तभी तो पता चलेगा कि दूसरा बंदा कौन सा हम ढूंढ रहे हैं, ये 3 प्रेजेंट है भी या नहीं। अगेन ए की वैल्यू 9 फिक्स करी थी, 9 कहां से फिक्स करी थी भाई, एरे में 9 प्रेजेंट है, 11 में से 9 माइनस करा तो ये आ गया 2, 2 प्रेजेंट है या नहीं, यही तो देखा था। तो बी इज इक्वल टू के माइनस ए। अब ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना, सबसे पहले लिखूंगा कि भाई ये दोनों नॉट इक्वल है क्या, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो हमें क्या चेक करना है कि हैश मैप में सिर्फ बी प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट मिल गया तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, दोनों बराबर नहीं है और बी प्रेजेंट है भाई, तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, जल्दी बता दो। दोनों बराबर नहीं है और बी प्रेजेंट भी है तो ट्रू, सिंपली ट्रू रिटर्न कर दो, फंक्शन है राइट, फिर मेन में आप प्रिंट कर लोगे। सबसे पहला तो ये था, तो बराबर नहीं का केस तो ये है। अच्छा दूसरा केस कि भाई बराबर है, दोनों बराबर हैं तो सिर्फ कंटेंस की से बात नहीं बनेगी, फिर क्या चेक करना होगा, अकरेंस, कि भाई हैश मैप में ये जो बी है ये कितनी बार आ रखा है, अगर ये एक बार से ज्यादा आ रखा है तो ही रिटर्न ट्रू करोगे। इसमें तीन कंडीशंस लिखनी पड़ेगी, तीन कंडीशंस लिखनी पड़ेगी, कौन कौन सी तीन, पहले तो प्रेजेंट है या नहीं, राइट, तो यहां पे मैं थोड़ा सा गैप छोड़ देता हूं, यहां पे ये वाला कंडीशन आएगा, राइट, समझ गए आप,
लिख ही देता हूँ यार, लिख देता हूँ, बाद में कंफ्यूज ना हो जाओ। यहाँ पे एच एम डॉट कंटेन्स की ऑफ बी इज इक्वल टू ट्रू एंड एंड, पहले बराबर है, अगर दोनों बराबर है तो पहले तो बी का प्रेजेंट होना जरूरी है, अगर बी प्रेजेंट है तो चेक करो ग्रेटर देन वन है या नहीं। अगर तीनों ही चीजें हैं तो कर दो ट्रू रिटर्न। कितनों को यह बात समझ आ गई, कितनों को यह क्लियर है कि हाँ भाई अगर बराबर है प्रेजेंट है तो हमें एक फ्रीक्वेंसी भी चेक करनी होगी, बराबर नहीं है प्रेजेंट है तो डायरेक्टली बात बन गई। अब अगर प्रेजेंट ही नहीं है तो नेक्स्ट बंदे पे जाकर चेक करो, करते रहो करते रहो करते रहो। अगर आपने सभी बंदों को चेक कर लिया और कभी नहीं मिला बी प्रेजेंट तो फॉर लूप से निकलकर और फॉल्स रिटर्न कर दो कि भाई हमें कभी नहीं मिला, एक बार भी नहीं मिला, सभी इंडेक्स के लिए ट्राई कर लिया, कभी मिल जाता तो हम वही ट्रू रिटर्न कर देते हैं, कहीं भी नहीं मिला तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे फाइनली। अरे चिंता क्यों करते हो, ड्राई रन तो भी बाकी है, ड्राई रन जब बाकी है तो चिंता मत करो, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाई आया है और क्या करके जाएगा, बड़ा कर जाएगा। व्हाट इफ वी पुट इन मैप इन एल्स, मतलब व्हाई डू यू वांट टू डू दैट, पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है, मतलब कुछ थॉट प्रोसेस कैसे ये एल्स में मैप, समझा नहीं, तो सेकंड पार्ट ही कॉपी करूंगा भाई, फ्रीक्वेंसी मैप बनाना नहीं सिखाऊंगा, फ्रीक्वेंसी मैप बनाना सिखा चुका हूं, फ्रीक्वेंसी मैप का कोड लिखेंगे भी नहीं, वो ऑलरेडी आपके पास पड़ा हुआ है, तो हम सेकंड वाला देखेंगे जो ट्रू और फॉल्स है, राइट। ओप्स ओप्स अरे यार जिंदगी में कष्ट बहुत है यार, टेक्निकल कष्ट बहुत है टू बी प्रिसाइज। ओके कूल, आगे आगे कूल, तो मैं क्या करता हूं, फोर के साथ माइनस एट कर देता हूं, इस माइनस सिक्स को माइनस एट करूंगा तो ज्यादा चमकेगा आप लोग को। ओके कूल, चलो 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 आ जाओ सुन, सभी लोग बिल्कुल ही जो भी कर रहे हो, जितने भी मैच देख रहे हो आयरलैंड के साथ, आयरलैंड टीम वैसे भी हारने वाली है तो तुम यहाँ फोकस करो जल्दी। देखो तो ये फ्रीक्वेंसी मैप आपने पहले लूप से बना लिया, ये आपका एरे दे रखा था, के की वैल्यू आपकी माइनस फोर है, ओके तो बहुत ही अच्छे। अब आई की वैल्यू जीरो पे गई तो आपने ए, पता ना जरा ए की वैल्यू कितनी होगी अभी, आई जीरो पे ए की वैल्यू, जल्दी से जल्दी जल्दी बोल दो यार, जल्दी जल्दी बोल दो, कहाँ दुखी हो सब लोग, एट एट, ए की वैल्यू एट है तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, अगर के माइनस फोर है तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ट्वेल्व। तो अब हमने चेक करा कि भाई दोनों बराबर है या नहीं, पहले तो मैं कहा नहीं बराबर तो नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो क्या दूसरा बंदा मैप में प्रेजेंट है, मैं कहा नहीं प्रेजेंट भी नहीं है, इफ में कुछ भी नहीं होगा, एल्स इफ बराबर ही नहीं है तो यही फॉल्स हो जाएगा, बराबर ही नहीं है, ये दोनों बराबर ही नहीं है तो यही फॉल्स हो जाएगा, इसमें तो नहीं जाओगे आप, खत्म, नेक्स्ट इंडेक्स पे चले जाओ, एट के साथ माइनस ट्वेल्व बात नहीं बनी, देखना फिर से नाइन, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू जल्दी से बता दो कितनी हो जाएगी, अगर माइनस फोर चाहिए तो माइनस थर्टीन, फिर से देखना ए नॉट इक्वल टू बी है, एच एम डॉट कंटेंस की बी माइनस थर्टीन प्रेजेंट है क्या, नहीं भाई, नेक्स्ट इंडेक्स इज वन, बता दो माइनस फाइव, दोनों बराबर नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी है तो क्या माइनस फाइव सिर्फ प्रेजेंट है, नहीं नहीं कुछ भी नहीं होगा, बहुत ही अच्छे। नेक्स्ट इज माइनस टू, ध्यान से देखना यहां पे माइनस टू, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू भी माइनस टू आ जाएगी ऑफकोर्स, तो अब देखना ए नॉट इक्वल टू बी ये आ जाएगा फॉल्स, मतलब इफ में नहीं जाओगे आप,
ए इज इक्वल टू इक्वल टू बी, हाँ हाँ ए इज इक्वल टू इक्वल टू बी. उसके बाद एच एम डॉट कंटेन्स की माइनस टू, ट्रू या फॉल्स? ट्रू, ट्रू है. अब अगर वो ट्रू है तो सिंपली चेक करो ग्रेटर देन वन है क्या, किसकी फ्रीक्वेंसी माइनस टू की ग्रेटर देन वन है क्या? नोप, माइनस टू जब आप गेट करोगे तो सिर्फ वन आएगा, तो ये लास्ट वाला बंदा फॉल्स निकल कर आ जाएगा, लास्ट वाला फॉल्स आ जाएगा, तो अगेन नो के इक्विवेलेंट किया. आप कंटिन्यू करोगे, ये देखना फोर देखना जरा, आई ए की वैल्यू फोर, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी कितनी चाहिए माइनस एट. ए नॉट इक्वल टू बी, यस. क्या माइनस एट हैश मैप में प्रेजेंट है? यस. तो यहां से आप रिटर्न कर दो तुरंत, क्या टूरू टूरू लव टूरू लव, बस खत्म बात. चलो जल्दी से मुझे मिलियन डॉलर क्वेश्चन बता दो, मिलियन डॉलर क्वेश्चन का आंसर बता दो जल्दी से, जल्दी से बता दो कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है. एन 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 ऑफ कोर्स, देखो यार एन का लूप, ये सब कुछ ओवन है, इन सब में कुछ भी है, सब कुछ ओवन ओवन वेरिएबल बनाने जैसा ही है. एन फिर एक और एन, अगेन इसमें सब कुछ वेरिएबल बनाने जैसा है, ओवन इज वेरिएबल बनाने जैसा, तो ओ ऑफ एन टोटल, बस एन एन में कर दिया हमने. तो याद है आपने आज से 10 क्लास पहले जो चीज एन स्क्वायर में करी थी, आज आप वही सारी चीजें ओ ऑफ एन में कर पा रहे हो, आज से 10 क्लास बाद आप वही चीजें ओ ऑफ लॉग एन में कर रहे होगे,